कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जिसका ग्रेडियंट बनता है। आपके पास किताबें कितनी भी बड़ी हों, कितने भी अच्छे नोट्स हों, अगर दिमाग में कुछ चीजें नहीं चल रही तो आप मरेंगे ही, 100% मरेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। आप बोलते हो सर हमें नोट्स बनाने दीजिए, नोट्स तो आपने बहुत पढ़े, किताबें बोलती नहीं है, ब्रेन बोल सकता है आपको अंदर ही अंदर। ये होगा बताओ, टिश्यू से एल्वोलाई की तरफ क्या चली, CO2। और तीन तरीके याद है, तो ग्रेडियंट हमेशा फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई, सो वी कैन राइट इट टिश्यू टू एल्वोलाई, एल्वोलाई। और इसीलिए पहला फॉर्म पढ़ाना मुश्किल है ही नहीं, पहला फॉर्म इट इज डिसॉल्व, और पहले ही बताया जा चुका है 7%, जस्ट बिकॉज सॉलिबिलिटी ऑफ द CO2 इज मोर देन ऑक्सीजन, सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इज मोर फॉर मोर देन O2, कितना गुना, 20 से 25 गुना, इसीलिए डिसॉल्व फॉर्म कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। और दूसरा फॉर्म है, द दूसरा फॉर्म, जैसे फर्स्ट फॉर्म इट इज डिसॉल्व फॉर्म, द सेकेंड फॉर्म इज बाइकार्बोनेट। तो पहली एक बात ध्यान सुन लो, जो बाइकार्बोनेट फॉर्म है, एवरीवन, बाइकार्बोनेट जो फॉर्म है ये भी ट्रेवल प्लाज्मा में ही करता है, लेकिन ये जो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म चल रही है CO2 के फॉर्म में डिसॉल्व है, और यहां पर CO2 के बजाय प्लाज्मा में किस फॉर्म में है, बाइकार्बोनेट। तो मैं बच्चों से कहता हूं कि बच्चा एज्यूम करना बहुत जरूरी है, एज्यूम्शन अच्छे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। आपको मालूम है इस तरफ से जब ब्लड घुसा था तो ये कैसा था, ऑक्सीजनेट, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है भाई, यहां पर कैसा था, ऑक्सीजनेट, और जब यहां से निकला डीऑक्सी, और इस दौरान टिश्यू ने कोई बदतमीजी की। चलो भाई बदतमीजी दोनों तरफ की देखते हैं, जब ऑक्सीजनेटेड गया था तो अब हम केवल CO2 लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब O2 पढ़ रहे थे तो केवल क्या लिख रहे थे, O2, तो अब हम केवल CO2 लिखेंगे। बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितनी, हाँ सर जब यहां पर आए तो ब्लड में 40 mm ऑफ HG है CO2, और टिश्यू में सर 45 है, 45 mm ऑफ HG याद है। अब आप मुझे बताइए ग्रेडियंट किधर का है, तो बताओ CO2 कहां जाएगी, ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन अंदर आएगी, CO2 ब्लड में, ब्लड में जब CO2 आई तो यहां से CO2 लौटी कितना, 45 mm ऑफ HG, 45 mm ऑफ HG। तो बोलते हैं जब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ब्लड में घुसी तो एक फॉर्म में किसमें, सोना में, किसमें, दूसरा फॉर्म क्या है, तो मैं कहूं दूसरा फॉर्म यही डायग्राम में बड़ा करके दिखा रहा हूं, ये रही ब्लड वेसल, लेट सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, लेट सपोज दिस इज अ टिश्यू, और अब मेरी मदद करिए, बताइए CO2 कहां से चली, कहां गई, और ब्लड में तो बहुत सीजे चीजें हैं, प्लाज्मा है, RBC है, प्लाज्मा और RBC, सबसे पहले ये गई प्लाज्मा में, कहां पर गई, प्लाज्मा, कुछ डिसॉल्व हो गई, कुछ 7%, और कुछ प्लाज्मा के वाटर के साथ रिएक्शन की, ब्लड के प्लाज्मा में 90 से 92% पानी, 90 से 92% पानी के साथ रिएक्शन करने लगी, CO2 प्लस H2O, बताओ मेटल ऑक्साइड की नॉन मेटल, नॉन मेटल की ऑक्साइड किसके साथ, वाटर के साथ, और याद रखना नॉन मेटल की ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं ऑक्सी एसिड बनाती हैं विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, बताओ यहां पर कितना है, +4, तो यहां से बना H2CO3, फिर से बोलो H2CO3, पक्का, ये H2CO3 एक एसिड है,
एसिड है, भले ही वीक क्यों नहीं है लेकिन एसिड है तो क्या रिलीज करेगा? एच प्लस। इसने एच प्लस रिलीज किया, क्या रिलीज किया? एच प्लस, और साथ में एस सी ओ थ्री माइनस बनाया। क्या बनाया? एस। व्हाट इज एस सी ओ थ्री? कहते हैं ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। कैसी है? रिवर्सिबल। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल किया जा सकता है। यस और नो? यस सर। ओके, एंजाइम पढ़ाया था? पढ़ाया आपने बायोमोलिक्यूल। एंजाइम में ये रिएक्शन जब विदाउट एंजाइम हो रही थी तो कितने मॉलिक्यूल एक आर में बन रहे थे? एकदम सान। ये रिएक्शन तो सर एंजाइम में आपने पढ़ा ही नहीं। क्यों तहजीब नहीं पढ़ा? हाँ भाई तस्बी आपने भी नहीं पढ़ा, ढोल का साथी डंडा। सच में कभी बायोमॉलिक्यूल पढ़ा ही नहीं? अरे तो किसी से तो पढ़ा होगा। यस, पहला दिन है आपका। यस, जब ये रिएक्शन बिना एंजाइम के होती है तो H2CO3 कितना बनता है? 200 मॉलिक्यूल। कितने घंटे में? एक घंटे में। पर यही रिएक्शन जब एक एंजाइम की प्रेजेंस में हो, कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर से बोलो, एंजाइम का नाम याद रखिएगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये रिएक्शन स्लो होती कि फास्ट? फास्ट। बैठिए, कितना फास्ट? 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। मैं यहां रुकूंगा और तुमसे बार बार पूछूंगा, बुरा कितना भी लगे, अगर ये रिएक्शन बिना एंजाइम के हो, किसके? तो बताओ H2CO3 के कितने मॉलिक्यूल? 200 मॉलिक्यूल पर आर। एक घंटे में कितने? 200। और अगर यही रिएक्शन एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम का नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये बताओ 6 लाख मोल, 6 लाख मोल है पर आर की पर सेकेंड, पर सेकेंड। और ये मेरा डाटा नहीं, एनसीईआरटी का डाटा है, कहीं और लिखा, 6 लाख मोल पर सेकेंड बन रहे। और यहां पर और बोलते हैं लगभग रिएक्शन 10 मिलियन टाइम बेटा फास्ट हो चुकी, लगभग 1 करोड़ गुना फास्ट हो चुकी है रिएक्शन। यानी जो रिएक्शन इतनी स्लो चल रही थी वो 1 करोड़ गुना फास्ट हो चुकी है, 10 मिलियन टाइम फास्ट। इसका मतलब ये एंजाइम बहुत खतरनाक है। और ये एंजाइम प्लाज्मा में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? प्लाज्मा। पर भाइयों बहनों बार बार सुनो, प्लाज्मा में प्रेजेंस इसकी बहुत कम है, ये लीस्ट अमाउंट में है। इसका मतलब ये रिएक्शन प्लाज्मा में बहुत चल रही होगी कि बहुत कम? बहुत कम। अब आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जहां पर तुमने CO2 भेजी है उसका नाम है ब्लड वेसल। बोलो क्या? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा यहां आरबीसी भी है। क्या है? आरबीसी। मदद करिएगा थोड़ी से। तो अगर आरबीसी है इसका मतलब मैं ब्लड वेसल को थोड़ा और बड़ा कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। अगर आरबीसी है तो ये रिएक्शन आरबीसी में भी चल रही है, आपको ये मानना पड़ेगा। लेट सपोज इट इज अ आरबीसी, मानना पड़ेगा कि ये आरबीसी है। व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में भी ये रिएक्शन हो सकती है। इसका मतलब जो CO2 प्लाज्मा में गई थी वो प्लाज्मा से कहां पहुंच गई? आरबीसी। और जब ये आरबीसी में पहुंची तो हीमोग्लोबिन में नहीं पहुंची बल्कि आरबीसी के अपने साइटोप्लाज्म में पहुंची। आरबीसी के अपने साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ जब रिएक्शन करने लगी तो इसने बनाना चालू किया H2CO3, और H2CO3 से H+ आयन निकला और HCO3- आयन बनने लगा। बताओ व्हाट दिस आयन इज नोन एज? बाइकार्बोनेट।
नो डाउट ये रिएक्शन आरबीसी में चल रही है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट आरबीसी में रुक ही नहीं सकते। मैंने पहले ही पढ़ा दिया था बाइकार्बोनेट आरबीसी से चलता है कि प्लाज्मा प्लाज्मा, इसलिए इस बाइकार्बोनेट को एक्सट्रूड किया गया, बाहर भेजा गया, कहां से? फिर से बोलो, आरबीसी से। कहां? आरबीसी से कहां? प्लाज्मा। तो बताओ प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट घटने लगा कि बढ़ने लगा? बढ़ने लगा। इसका मतलब बाइकार्बोनेट का बनना प्लाज्मा में भी है, आरबीसी में भी है। ज्यादा कहां है? वाई? क्योंकि द सेम एंजाइम, नाम बोलना पड़ेगा बार बार, द सेम एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट इज इट प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। बताओ कहां? लीस्ट की मैक्सिमम? तो बताओ ये मैक्सिमम कहां प्रेजेंट है? और लीस्ट कहां प्रेजेंट है? तो बताओ ये रिएक्शन कहां होगी? प्लाज्मा में भी और आरबीसी में, लेकिन ज्यादा कहां? प्लाज्मा में हुई तो प्लाज्मा में ही बाइकार्बोनेट बने, लेकिन कम की ज्यादा? ज्यादा। पर आरबीसी में हुई तो ज्यादा, कम की ज्यादा? और अगर ज्यादा बने तो बताओ H+ आयन भी ज्यादा, बाइकार्बोनेट आयन भी ज्यादा, और ये बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा कहां बने? आरबीसी। आरबीसी में बने और कहां भेजे गए? प्लाज्मा। जब प्लाज्मा में भेजे गए बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट पे नेट चार्ज पॉजिटिव की निगेटिव, और निगेटिव चार्ज होने की वजह से आरबीसी के अंदर निगेटिव चार्ज का लॉस हुआ, किसका? और इस निगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए निगेटिव चार्ज ही अंदर आया, और इस निगेटिव चार्ज का नाम है क्लोराइड। फिर से बोलो, तो क्या निकला? क्या निकला? बाइकार्बोनेट। क्या आया? क्लोराइड। और इस शिफ्टिंग को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। फिर से बोलो। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो इसे 3 बार नहीं 10 बार समझ लो। बोलो कौन सा शिफ्ट? कब होगा क्लोराइड शिफ्ट? जब बाइकार्बोनेट कहां बनेगा? आरबीसी। कहां आएगा? प्लाज्मा। तो आरबीसी से प्लाज्मा में क्या आया? बाइकार्बोनेट। तो प्लाज्मा से आरबीसी में क्या गया? क्लोराइड। एंड दिस क्लोराइड शिफ्ट इज नोन एज हैमबर्गर्स फिनोमेना। बोलो। और ये इसी नाम से पूछा गया, व्हाट इज हैमबर्गर्स फिनोमेना एंड वेयर इट रिक्वायर्ड, कब रिक्वायर होता है? बोलो कब रिक्वायर होता है? जब बाइकार्बोनेट कहां बना? आरबीसी। कहां आया? प्लाज्मा। तो आरबीसी से प्लाज्मा में जब बाइकार्बोनेट आ रहा होता है, तो उसी को क्लोराइड को के साथ एक्सचेंज हो रहा होता है, दैट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर्स फिनोमेना। क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो, क्लोराइड शिफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और बाइकार्बोनेट CO2 ट्रांसपोर्ट। बोलो क्या? CO2। और कहां से कहां? आरबीसी से बाइकार्बोनेट कहां आया? प्लाज्मा। प्लाज्मा में आया, और प्लाज्मा पर आने के बाद बताओ इसको किसने काउंटरेक्ट किया? क्लोराइड। एंड दैट शिफ्ट इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। अब मेरे को तो डर ये लगता है ना, हर चीज में तुम हां करते हो और कितनी चीज पकड़ के बैठ पाते वो मुसीबत है। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गई और 60% तो घुल गई, वो बाइकार्बोनेट नहीं बनाई, वो CO2 के रूप में ही घुल गई, और 70% CO2 ने एसिड बनाया, एसिड का नाम कार्बोनिक एसिड। फिर से बोलो, और किसमें टूटा? H+ और HCO3, और दो जगह, एक जगह की दोनों जगह, कहां कहां? प्लाज्मा और आरबीसी। तो क्या ये आरबीसी से ट्रेवल हुआ? जो आरबीसी में बना वो भी प्लाज्मा से ट्रेवल हुआ, जो प्लाज्मा में बना वो भी प्लाज्मा से ही ट्रेवल हुआ। इसलिए डरते हुए लिखता हूं कि भले ही बाइकार्बोनेट बन रहा है आरबीसी में, लेकिन वो ट्रेवल कहां से करेगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से कितने तरीके से CO2 ट्रेवल कर सकती है? दो, एक किस फॉर्म में? डिजॉल्व, और एक इसमें बाइकार्बोनेट के फॉर्म। और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कितने प्रतिशत? 70%। तो भाई 60% तो ये चला गया, 70% ये गया, बचा 23। वो कैसे ट्रेवल होगा? बिटिया नींद आ रही है, पानी पियो।
पढ़ाई खूब कर रही हो रात भर आजकल है कि घूम फिर रही हो, पढ़ाई कर रही हो? हाँ, सोना नहीं आ कि सर आप क्या करें, आप इतना बढ़िया लोरी सुनाते हो। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की खास बात है, हर बच्चे को लगता है कि उसे आ रहा है, बहुत आ रहा है, और जब क्वेश्चन बनता है तो फिर उसे लगता है उसे तो कुछ नहीं आता, भैया लिख लिया। तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां की तरफ? टिशू से एल्ला। कितने प्रकार से? तीन। में कितने सीख लिए? दो। दोनों सीख लिए? हटा दे भाई साहब, हटा रहे। बताओ कितने फॉर्म? दो। एक कौन? डिजॉल्व। लिखने दो सर। हट, कितने फॉर्म में? दो। एक कौन? डिजॉल्व। दूसरा बाई का, बाई कार्बोनेट क्यों बनेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज मेटल की नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगी। तो ये तो केमिस्ट्री का रूल है कि व्हेन एवर द नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर इट विल फॉर्म द ऑक्सी एसिड विद द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा एसिड? H2CO3। फिर से बोलो। और क्या एसिड की टेंडेंसी होती है? कि वो OH ले ले। सही बोल रहा हूं मैं। H+ छोड़ दे, छोड़ दे। अगर H+ छोड़ दे तो क्या वो एसिड कहलाएगा? तो H2CO3 ने क्या छोड़ा? H+। क्या बना? HCO3-। कहां बना? दो जगह, एक कहां? प्लाज्मा में, और एक कहां? RBC। प्लाज्मा में ज्यादा की कम? और RBC में? क्यों? कार्बोनिक आयनाइडेज कहां ज्यादा, कहां कम? पक्का? और थर्ड वे, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, व्हेन हीमोग्लोबिन इज अटैच्ड विद CO2, जब कभी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बजाय क्या जुड़ जाए? CO2, देन दिस इज नोन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। कार्बामिनो। इस मटके को जानते हो? एल्विलाई सर, बड़ा अच्छा मटका है। सर कहते हैं रोज एक मटका बना देते हैं आगे। आज पहली बार दोनों गैसेस को एक साथ फिर से देखने जा रहा हूं, दूसरी तीसरी बार, पहली बार बोल देता हूं मैं। आवाज आ रही है? इधर से जो ब्लड आया, इधर से क्या बात है, सब कुछ याद है? Yes, sir. अच्छा, ये टिश्यू याद है? टिश्यू। yes, और टिश्यू में इधर से जो ब्लड आया, oxygen. बिटिया बड़ी जल्दी में हो, ये कौन सा? ऑक्सीजन। और ये वाला? oxygen. लिख रहे इधर वाला? डी ऑक्सीजनेटेड गए, ऑक्सीजनेटेड लौटे। याद आया? ऑक्सीजनेटेड गए, डी ऑक्सीजनेटेड लौटे। पक्का? Yes, और ऑक्सीजन में तो तुम देख ही चुके हो। Yes, सान ऐसे कर रहे हैं। हाँ आओ सान, आओ आगे, आओ आओ मेरे बच्चे, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे, भले ही मेडिकल कॉलेज में ना लो, काका दोगे गलियों में तो करी दोगे। बस यहीं रहना, यहीं रहना। नहीं नहीं, यहीं खड़े होकर जवाब देना, फिर वापस लौटना। नहीं, वो बताएगा नहीं, सैटरडे को क्लास नहीं किया था इसीलिए बुलाया है, और तुम हमको बेवकूफ समझे हो? डंडा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये रहे हीमोग्लोबिन भैया, HB, याद आया? HB ने क्या देखा कि PO2 कम है? PCO2 कम की ज्यादा? कम है। पांचों फैक्टर बोल ले और छोड़ दूंगा यहां पर। पांच कौन कौन से फैक्टर? ये दो बच्चे आज पहली बार आए, मुझे मुझे लग रहा है कि ये समझ नहीं पाएंगे। आप प्लीज स्टैंड अप, एक एक लोग उनमें से कोई भी। यस, एक लोग।
पहली बात तो डरना नहीं, पहला काम डरना नहीं, तुमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक। हम ट्राई कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपने पिछली क्लास शायद ज्वाइन नहीं की, पहली है ना, हाँ ठीक है। शान बाबू आपकी बदतमीजियों की वजह से उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर आपने जवाब दिया होता तो उनको भी समझ में आता। कौन बताया? देखना वो पहले दिन आई और तुमसे अच्छा बताएगी। बिटिया यहां पर सांस लेने पर एल्बुलाई के पास ऑक्सीजन आई कहां से? एटमॉस्फेयर। तो ऑक्सीजन कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा, देखो बता दिया। ऐसे तुमसे काहे पूछे, तुमको हफ्ता भर पढ़ाया नहीं है? जब सांस लिया तो कहां गई? मुंह में कि नाक में? कैविटी में गई। नाम बताओ। नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर, लैरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, अल्टीमेटली एल्वोलाई। तो एल्वोलाई ने ऑक्सीजन खींची है कहां से? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन यहां कम होगी कि ज्यादा? कहां? देखो पहले दिन आई, उसने बता दिया। हिम्मत रखना बेटा, आएगा। ऑक्सीजन यहां ज्यादा, और यहां से जो ब्लड आ रहा उसमें ऑक्सीजन, तो याद रखना ऑक्सीजन यहां ज्यादा है लेकिन CO2 CO2 इज मेटल की नॉन मेटल? और नॉन मेटल की ऑक्साइड? बेसिक। अगर एसिडिक है तो बताओ H+ आयन कंसंट्रेशन? ए भगवान, बगल वाले खड़ा करो। बिटिया डरना नहीं, केवल इंट्रोडक्शन हो रहा ताकि तुम आज को तुमको कुछ सीख के जाना यहां पर। अगर एसिड बढ़ा तो क्या बढ़ेगा? H+। तो अगर मैं बोलूं PCO2 कम है तो एसिड ज्यादा है? नाक कट गई मेरी। अरे एक बार और पूछते उसे। बिटिया नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होती, कैसी होती? इसका मतलब कार्बन इज नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक। तो अगर PCO2 कम, एसिडिक कंडीशन कम, और जो एसिड होता है वो H+ डोनेट करता है, तो एसिड अगर कम तो H+ भी कम। बता दिया। H+ कम। ए ये सब मत करो, पहले दिन बच्चे परेशान हो जाएंगे, और तुमको क्या मालूम कि तुम बदतमीज हो। बेटा H+ कम तो -log H+, क्या ये pH होता है? अगर H+ कम तो pH। मैं सच में पूरी क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूं, इन दो बच्चों को, क्योंकि इनको भी समझ में आना चाहिए, वरना ये बाहर जाएंगी। बड़ा नाम सुना था, बिल्कुल बेवकूफ पढ़ाया, कुछ नहीं आता। और हम अपनी मार्केट संभाल रहे हैं। तो PO2 एयर से आई, PCO2 और ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है, तो एसिड कम है तो H+ और pH, और बाहर से आई तो हवा ठंडी है तो टेम्परेचर। इन सारी कंडीशन पर, इन बताइए हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ता है कि टूटता है? जुड़ता है। तो ऑक्सीजन अगर जुड़ने लगा, ऑक्सीजन अगर यहां जुड़ने लगा तो क्या बनने लगी? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। फिर से बोलो। अगर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने लगी तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन घटने लगी कि बढ़ने लगी? बेटा वही बोलना जो है, घटने लगी बढ़ने लगी? और बढ़ने लगी तो ब्लड में ऑक्सीजन कम की ज्यादा? अगर ज्यादा है तो ब्लड का नाम ऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। और अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहां पहुंचे? टिश्यू। टिश्यू कॉन्टिन्यूअस मेटाबॉलिज्म कर रहा है। क्या कर रहा है? मेटाबॉलिज्म। ध्यान सुनना, मैंने आपको थोड़ा ज्यादा देर खड़ा किया, बुरा तो नहीं लग रहा? ज्यादा देर तक खड़ा करने का मतलब यह है कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल, और सेल जिंदा है कि मर गई? और जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जरूरी है? तो बताओ इन्हें क्या मेटाबॉलिज्म करनी पड़ेगी? बिटिया काय हंस रहे हो?
अगर वो आज सही नहीं बता पाए तुम मार पड़ोगा। बताओ टिश्यू में CO2 घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। हाँ, टिश्यू में CO2 बढ़ गया, लेकिन यहां से CO2 बढ़ा था कि कम था? कम था। हाँ, CO2 कम था कहां? ब्लड में। टिश्यू में CO2 बहुत बढ़िया, और टिश्यू में CO2 ज्यादा, तो टिश्यू में ऑक्सीजन कम। और ये भाई साहब क्या लेके आ रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां ज्यादा कहां कम? तो टिश्यू कहेगा हमें ऑक्सीजन दो। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेगी ऐसे ना देंगे, हम तभी देंगे जब आप हमको बताओगे कि बोहर इफेक्ट लग रहा है कि नहीं। यही बात है जो मैं दो दिन से पढ़ा रहा हूं, कौन सा इफेक्ट? बोहर इफेक्ट। और बोहर इफेक्ट तब लगता है जब कंडीशन क्या हो, बोलो क्या हो? पीओ टू कम। उल्टा देखो, यहां पीओ टू, यहां PCO2। अगर PCO2 ज्यादा तो H प्लस आयन ज्यादा, pH कम। और यहां चल रही है मेटाबॉलिज्म, यहां चल रही है मेटाबॉलिज्म, तो टेम्परेचर ज्यादा। अगर ऐसा हुआ, जमाई बड़ी लंबी तुम्हारी, अगर ऐसा हुआ तो क्या लगेगा? बोहर इफेक्ट। और बोहर इफेक्ट लगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ेगा कि लूजली? तो पकड़ेगा कि छोड़ेगा? तो बताओ हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन किधर गई? दिस इज अ बोहर इफेक्ट। और जैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ जाने लगी, हीमोग्लोबिन खाली होने लगी। पक्का? तो CO2 कह रही बहन किसको लेके आई थी? बोले O2 को। छोड़ दिया? बोले हाँ। खाली हो? हाँ। कहाँ जा रही हो? एल्वोलाई पे। हमको लेते चलो। समझ गए? तो बताओ जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करने लगेगी, हीमोग्लोबिन खाली होने लगेगी। yes, और इसको देखकर CO2 चांस मारेगी और किसमें जुड़ेगी? और क्या बनाएगी? HbCO2। तो बोहर इफेक्ट अगर ऑक्सीजन डिलीवर करने में मदद कर रहा है, तो हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि वो हीमोग्लोबिन को खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? क्योंकि उसने हीमोग्लोबिन से क्या निकाल दी? ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन निकली तो हीमोग्लोबिन खाली हो गई। तो इस खाली हीमोग्लोबिन में कौन जुड़ने लगे? CO2। क्योंकि टिश्यू में CO2 कम थी कि ज्यादा? नहीं आया? सच बताना, आया? बैठो, अभी पूछेंगे बाद में। और तुम पढ़ना लिखना चालू कर दो, कुछ फायदा नहीं इन त्योहारों में। तुमको दो तीन त्योहार जाने चाहिए, ईद, बकरीद, होली, दिवाली, बस। हाँ चलो जाओ। प्रतीक, अरे जब मैंने देखो, बदतमीजी मत करो शान, यहां पर गर्ल्स बैठी हैं जो मेरी सिस्टर्स हैं, अगर कोई भी ऐसा अपशब्द बोला तो कान के नीचे रैपटा देंगे भी। स्लैप। अरे वाह, मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि जो पहले दिन आए हुए बच्चे हैं और तुम जो पिछले दो तीन महीने से पढ़ रहे हो, उनमें कोई फर्क नहीं, जितना तुम्हें नहीं आता उतना उनको भी नहीं आता। एक क्लास छोड़ने से तो बेटा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आप सुनो, तो जिस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलने लगी, उस हीमोग्लोबिन को खाली देकर किसने चांस मारा? CO2। तो कहा तुम तो ऑक्सीजन छोड़ रही हो, किस इफेक्ट की वजह से? तो बोहर इफेक्ट वो इफेक्ट है जो किसको छोड़ेगा और किसको बनाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो कल को मैं पूछूं कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनने के क्या क्या कारण है, नहीं बता पाएंगे, चिल्लाना नहीं। हीमोग्लोबिन में CO2 जुड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? ऑक्सीजन का कम होना, CO2 का ज्यादा होना, H+ आयन कंसंट्रेशन का ज्यादा होना, टेम्परेचर का ज्यादा होना, pH का कम होना। ये सारे काम ऑक्सीजन को छोड़ रहे हैं, CO2 को जोड़ रहे हैं। अभी NCERT की सारी लाइनें तुमसे पढ़वाऊंगा और जब मुंह फैला के सुनोगे सर ये कहां लिखा है, उसी समय थप्पड़ पड़ेगा। आज स्लैप डे, हम बहुत यूज करने वाले हैं इसे।
तो आप लोगों ने पढ़ा कि सर बोहर इफेक्ट के दौरान हीमोग्लोबिन कह रही कि मैं ऑक्सीजन को टाइटली पकड़ नहीं सकती हूं, क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीजन को पकड़ना है कि छोड़ना है? कहां छोड़ना है? टिश्यू में। तो वो क्यों छोड़ेगी? क्योंकि ये सारी चीजें होंगी, और जब भी ये होगा तो क्या लगेगा? बोहर इफेक्ट। क्या होगा? CO2 ज्यादा, PO2 कम, H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। क्या छूटने लगी? क्या आने लगी? CO2। और CO2 किस में आने लगी? हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन एक तरफ से क्या निकाल रही है? क्या पकड़ रही? CO2। इनको छोड़ा, इनको पकड़ा, लेके चले। नाम है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और आप बताओ, दो फॉर्म पहले पढ़ा चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं। एक कौन? डिसॉल्व, दूसरा बाई कार्बोनेट, पढ़ा चुका हूं। तो बताओ, अब जो यहां से ब्लड वेसल चली, बेटा मेरी इज्जत रखना और बता देना, नहीं तो अब मैं बहुत मुश्किल में आ जाऊंगा, मुझे लगेगा कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। बताओ, जो यहां से CO2 चली वो तीन फॉर्म में चली? एक तो डिसॉल्व, बहुत बढ़िया डिसॉल्व, बढ़िया। दूसरा बाई कार्बोनेट, पक्का। और तीसरा हीमोग्लोबिन में CO2। व्हाट इज हीमोग्लोबिन से? कार्बन। और ऐसा ब्लड क्या कहलाया? डीऑक्सीराइबो। और कहां से चला? कहां की ओर? एल। क्या ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है? मैं ये पढ़ाने ही नहीं आया, तो पहले पढ़ा दिया मैंने, पर इसकी मदद से ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हें सीखना है कब हीमोग्लोबिन किसे छोड़ेगी, किसे पकड़ेगी, किसे छोड़ा, किसे पकड़ा, कहां पर। लेकिन बेटा कितना पकड़ा? इट इज ओनली 23%। कितना? 20-25% ऑफ टोटल CO2। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये तुम्हारा दिमाग खराब भी कर सकता है, खराब भी कर सकता है, इसलिए सुनो। यही ब्लड एक दिन पहुंचा एल्वुलाई के पास। अब मैं ये एल्वुलाई फिर से साफ करता हूं ताकि तुम्हें दिख जाए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। यही ब्लड जब यहां पर पहुंचा एल्वुलाई के पास, तो एल्वुलाई ने कहा कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, याद है? नाम है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में तीन लेयर है, एंडोथीलिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन और स्क्वैमस एपिथेलियम। एक CO2 ने कहा, देखो हमारा काम बढ़िया है, हम डिसॉल्व होके आई थी और हम घुले हुए हैं, और डिसॉल्व होने की वजह से, सॉल्युबिलिटी की वजह से, हम तो भैया निकल लिए। कितना परसेंट? 7% CO2 ने कहा, बिकॉज आई एम डिसॉल्व कंडीशन, और सॉल्युबिलिटी डिफ्यूजन को बढ़ाती है। तीन बातें जो डिफ्यूजन को बढ़ाती थी, पिछले पढ़ाया था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी थिकनेस, पक्का। तो बोले देखो, जिनका पहला दिन है वो भले परेशान हो जाए, लेकिन तुम लोग सही ढंग से बोलो ताकि उनको समझ में आए कि ठीक है। बताओ, CO2 यहां से निकल गई, कौन सी वाली? डिसॉल्व। अब आई जो CO2, अब जो CO2 आई, इसका नाम है ऑक्सी, सॉरी नॉट ऑक्सी, कार्बामिनो। व्हाट इज कार्बामिनो? HbCO2। और इसको अगर नहीं समझा तो गए काम से। HbCO2 को देखकर रिवर्स बोहर इफेक्ट लगा। ये कोई इफेक्ट नहीं, इस नाम का कोई इफेक्ट नहीं पाया जाता, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। रिवर्स क्या लगा? रिवर्स। और यहां हो रही थी डिसोसिएशन, क्या हुआ था? और यहां होगा एसोसिएशन, किसका? क्योंकि यहां ऑक्सीजन ज्यादा है। और बोला जब PO2 ज्यादा, बहुत बढ़िया, PO2, PCO2, H+ कम, pH, टेम्परेचर कम, तो जब भी ऐसा होगा हीमोग्लोबिन कहेगी मुझे CO2 जोड़नी की ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन की ऑक्सीजन। पर उसने देखा कि HB में कौन जुड़ा है? CO2, तो उसे किसे जोड़ना है, तो किसे छोड़ना पड़ेगा? CO2। तो उसने क्या जोड़ा और किसे छोड़ा? CO2। और जैसे ही बेटा O2 जोड़ा, यहां पर क्या बना? HbO2। व्हाट इज HbO2? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। शुरुआत में बहुत कम बनी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि उस जगह कौन बैठा हुआ था? CO2। लेकिन भाइयों बहनों,
ये रूल भूलना मत, चाहे जिंदगी खत्म हो जाए भूलना मत, एमबीबीएस तक काम आएगा। जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, इट विल बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन? HbO2 बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे ही HbO2 बना, उसने बाकी बची हुई HbCO2 को से हीमोग्लोबिन से क्या डिस्प्लेस करना बढ़ा दिया, CO2। तो जैसे जैसे HbO2 बनता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे HbO2 बढ़ता जाएगा, किससे धक्का मारा जाएगा, HbCO2। तो HbCO2 बचेगा कि छोड़ने लगेगा, और छोड़ने लगेगा तो क्या खाली होने लगे, HB, और HB खाली होने लगे तो क्या आने लगेगी, ऑक्सीजन। ये अजीब अजीब पॉजिटिव रेगुलेशन है। सर नहीं आया फिर से। एक बार आपने ये कंडीशन की, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी किसके पास ज्यादा है, हीमोग्लोबिन। उसने कुछ हीमोग्लोबिन में किसको पकड़ा, ऑक्सीजन, किसको छोड़ दिया, CO2। जैसे ही HbO2 बना, क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से बोलो, और स्ट्रॉन्ग एसिड बनते ही इसने वीक एसिड को, नॉन मेटल ऑक्साइड के वीक एसिड को रखा कि डिस्प्लेस कर दे, डिस्प्लेस। इसका मतलब हीमोग्लोबिन में अगर O2 आ गई है तो CO2 रुक पाएगी कि हटा दीजिए, हटा दीजिए। और जैसे ही हटाई जाने लगी, HbCO2 छोड़कर भागने लगी, बताओ दूसरी CO2 भी निकल ली कहां, एल्विला। सबसे बड़ी समस्या आती है बाइकार्बोनेट की, मैं बता रहा हूं, लोग इसको बचान पढ़ाने से बचते हैं। किसी को याद है कितने फॉर्म में आए थे, तीन। पहला कौन, डिसॉल्व फॉर्म में निकल लिए, नहीं आया। और दूसरा फॉर्म कौन सा है, HbCO2। HbCO2 वाला में कौन किसको पकड़ा है, हीमोग्लोबिन, किसको, CO2 को पकड़े हैं, और पकड़े होने की वजह से CO2 को छोड़ नहीं रही है। लेकिन क्या लगा, बोहर इफेक्ट का उल्टा, और वो कहता है डिसोसिएशन की एसोसिएशन। तो कुछ हीमोग्लोबिन में क्या आकर के जुड़ी, ऑक्सीजन, क्या बनी, HbO2, कैसा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड बना, उसने किसको डिस्प्लेस किया, CO2, कहां से, बोले हम बड़े एसिड हैं, तुम छोटे एसिड हो, बड़े एसिड के सामने छोटा एसिड रहे नहीं था, CO2 को छोड़ दिया गया, कौन खाली होने लगा, HB, और क्या आने लगी, ऑक्सीजन। HbO2 घटने लगी कि बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, एसोसिएशन बढ़ने लगे, क्या बनने लगे, ऑक्सीजन। तो अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये तो भूली थी बेचारी निकल ली, इसको स्ट्रॉन्ग एसिड ने निकाल लिया, अब सुनील सर फंस गए, बाइकार्बोनेट कैसे निकलेगा, ये तो क्या है, सॉल्ट, क्या है। तो हमने कहा बेटा इसको निकालने के लिए भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन काम आएगा, बिकॉज ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ, मजा नहीं आए, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इट विल डोनेट H+, हर एसिड क्या डोनेट करता है, H+, फिर से बोलो, और अगर ये H+ बन के साथ जुड़ा तो क्या बनाएगा, H2CO3, फिर से बोलो, और H2CO3 इज अनस्टेबल, स्टेबल क्या, अनस्टेबल, अनस्टेबल किस में टूटेगा, CO2 प्लस वाटर, क्या ये CO2 भी निकल जाएगी, yes, नहीं आया। बोले सर पानी बचा, तो पानी उठाया भी कहां था, प्लाज्मा, वापस भी कहां गया, प्लाज्मा, पानी में कोई दिक्कत नहीं। एंड भाइयों बहनों, दिस इफेक्ट इज नोन एज हेडेन इफेक्ट। हे भगवान, ये का बोल दिया तुमने, पता नहीं क्या पागलपन कर रहा है ये टीचर, कौन सा इफेक्ट, हेडेन। लिखो मैं 3 बार नहीं 10 बार पढ़ाऊंगा अभी मैं, और तुम ही से लिखवाऊंगा, पहले ध्यान से सुनते जाओ। दिस इफेक्ट इज नोन एज, और बोलते क्या होता है हेडेन इफेक्ट, किसी को नहीं मालूम, सर ने बोला था हेडेन इफेक्ट, मैंने बोल दिया। हेडेन इफेक्ट कहता है कि मैं एल्वुलाई में क्या छोड़ने में मदद करूंगा, CO2, और बोहर इफेक्ट कहता है कि मैं टिश्यू में क्या छोड़ने की कोशिश करूंगा, CO2। तो बोहर इफेक्ट इज फॉर द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द, एंड हेडेन इफेक्ट इज द डिलीवरी ऑफ CO2 टू द एल्वुलाई। तो क्या आई, ऑक्सीजन, क्या निकल रही, आई किस इफेक्ट से, गई किसे, कौन गया, CO2, कौन आया, अभी भी नहीं आया। हेडेन इफेक्ट इज
हेल्डेन इफेक्ट इज, हेल्डेन इफेक्ट इज, ध्यान सुनना, इट इज बिहेवियर ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज एसिडिक, दिस इफेक्ट इज नोन एज हेल्डेन। और इतना लोग समझ नहीं पाते, उसको जगाओ, या तो मैं बहुत पका रहा हूं आज, और या तो तुम पिछली दो तीन क्लासेस छोड़ चुके हो। कैसी हो? यस यस, मैं बहुत पका रहा हूं, पहले क्लासेस छोड़ दियो फिर भी नींद आ रही, इसका मतलब तीसरा इशू है। कल रात भर का नाचते रहे हो, खूब पढ़े हो, ये तो रेयरेस्ट बात है, शाबाश, बैठो। तो बोलते हैं व्हाट इज हेल्डेन इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट इज द इफेक्ट विच सेज ऑक्सीहीमोग्लोबिन बिहेव लाइक स्ट्रांग एसिड। देखो मैंने जानबूझ के किया है, और अब अगर आपने बना दिया तो आपको आ गया, नहीं तो नहीं आया। ये बताओ क्या है? यहां PO2, PCO2, ये कंडीशन है। और अब हमारे बच्चे ये तो बता ही सकते हैं, यहां से जो ब्लड आ रहा ऑक्सीजन है कि डीऑक्सीजन? पता नहीं सर, गड़बड़ कर रहे हो। ऑक्सीजन है डीऑक्सीजन? डीऑक्स, जिसमें CO2 एक प्रकार से कि तीन प्रकार? तीनों प्रकार याद है? मुझे डर लग रहा, तीनों याद है? एक और डिजॉल्व, डिजॉल्व CO2, CO2 के फॉर्म में है। इसके अलावा बाई कार्बोनेट और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अगर नहीं आता तो तुम मरे हो। HbCO2, हीमोग्लोबिन में क्या जुड़ा है? HbCO2। चाहे जितना अच्छा पड़ा वहां जमाई मार रहा है, इसका मतलब उसे कुछ नहीं आ रहा। खड़े हो तुम? यस। HbCO2 कैसे बना बताओ? हाँ हीरो, हाँ हीरो कह दिया, खुश हो गया। हाँ कैसे बना? टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, जो ये बोल रहा मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? टिश्यू। हाँ टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकला बाहर, तो क्यों एचबी पे? एचबी तो पता O2 है, क्यों छोड़ेगी ऑक्सीजन? एचबी पर क्या है? O2। तो ये ऑक्सीजन छोड़ेगी? क्यों छोड़ेगी? बोहर इफेक्ट जाने बिना CO2 का ट्रांसपोर्ट जान पाना नामुमकिन है। और आप लोग चीजों को अलग अलग पढ़ते हो, शाबाश, बैठो, आप भी बैठिए। जब तक हीमोग्लोबिन खाली नहीं होगी, ये ट्रक है, हीमोग्लोबिन एक ट्रक है जिसमें क्या भर के ला रहे हो? जब तक ट्रक खाली नहीं हो गया, नया सामान चढ़ाया, तो HbO2 ने O2 खाली करना क्यों चालू किया? बोहर्स इफेक्ट। और बोहर्स इफेक्ट कहता है ये तभी लगेगा जब जब बाहर की तरफ CO2 ज्यादा, O2 H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। क्या टिश्यू में सब कुछ है? इसलिए हीमोग्लोबिन कहेगी हमें ऑक्सीजन नहीं रखना, हमें ऑक्सीजन छोड़ना है। और ऑक्सीजन छोड़ा तो हीमोग्लोबिन खाली हो जाएगी। ये ट्रक भरा है कि खाली? इसी ट्रक पे चांस मारेगा कौन? CO2। और CO2 कहेगा हमें लेते चलो, और CO2 जुड़ जाएगा, नाम बताओ, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और मैं चाहे जितना चिल्ला लूं, जब तक तुमको ये नहीं मालूम होगा कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किस वजह से बनेगी, तब तक तुम्हें कुछ नहीं आता। किस वजह से बनेगी? अब ये बोलो, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कब बनेगी? जब CO2 ज्यादा, O2 कम, H+ ज्यादा, pH कम, टेम्परेचर ज्यादा। ये सारा काम क्या बनाएगा? HbCO2। नाम क्या है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। यहां पहुंचे? कितने लोग? एक की तीन। अब तीनों लोग में ऑक्सीजन जो डिजॉल्व थी, चांस मारा, निकल लिया ऑक्सीजन की CO2, CO2। बोले हम तो निकले, क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ जुड़े,
हम तो केवल घुले हैं, कहां पर? प्लाज्मा। हम तो निकल लिए। HBCO2 बोली हम भी तो हैं। बोले तुम, तुम्हारा काम जाने। HBCO2 हो तुम आए अकेले हो कि जुड़ के आए हो? जुड़ के किसके साथ? हीमोग्लोबिन। और जब तक हीमोग्लोबिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम बाहर नहीं निकल पाओ। हम तो निकल लिए, हम तो प्लाज्मा में। तो इसने कहा कि यार हमको CO2 छोड़ेगा कैसे? हम हीमोग्लोबिन को, मैं CO2, हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ेगा कैसे? बोले यहां पर लगेगा रिवर्स ग्राफ, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट एफिनिटी ज्यादा किसके लिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा, तो बताओ हीमोग्लोबिन, कुछ हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ जाएगी? ऑक्सीजन। क्या बनाएगा? HBO2। फिर से बोलो। इसका नाम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, इसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो शुरुआत में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बने कि कम? कम। लेकिन जैसे ही ये कम बनी, वैसे ये बिहेव की स्ट्रांग एसिड। फिर से बोलो। और स्ट्रांग एसिड बनना ही कौन सा इफेक्ट है? हाइड्रेशन। यही चिल्ला रहा हूं उतनी देर से। When oxyhemoglobin form at the alveoli level, it behave like an strong acid. होने की वजह से उसने weak acid को रखा कि displace किया, displace. तो बताओ जो HBCO2 में, जो hemoglobin में CO2 थी, बची की displace, displace. किसने किया? Oxyhemoglobin, because it behave. और इस acid का नाम strong. तो CO2 का ion तो निकला है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की CO2 बोली हम भी निकल आए, भला हो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। बाइकार्बोनेट का हम तो फंस गए। अरे हम तो फंस गए भैया, बाइकार्बोनेट है हमारा नाम। तो बोले तुम भी नहीं फंसे, जरा देखो ये कौन है। और जो एसिड होता है वो क्या डिस्प्लेस कर, H+। क्या ये H+ देगा? क्या बनाएगा? H2CO3। फिर से बोलो। और H2CO3 स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल। क्या ये CO2 और वाटर में टूटेगा? तुम भी निकल लो। और ये किसकी वजह से हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इफेक्ट का नाम हेल्डेन। अगर हेल्डेन इफेक्ट ना होता तो CO2 ब्लड में तो रहती, एल्वलाई में बाहर नहीं। तो बताओ कौन इफेक्ट है जो CO2 को बाहर निकाले? हेल्डेन। और कौन इफेक्ट है जो O2 को पिछड़ा देगा? कितने इफेक्ट? दो। एक कौन? बोहर इफेक्ट। और एक हेल्डेन। कुल मिलाकर मैंने 3 बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम लिया, हैमबर्गर्स फिनोमेना, बोहर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट। क्या ये तीनों के नाम बता पाओगे? व्हाट इज हैमबर्गर्स फिनोमेना? बाइकार्बोनेट बनता है कहां पर? आरबीसी। बाहर आता है? कौन अंदर जाता है? क्लोराइड। शिफ्ट का नाम क्लोराइड से। अच्छा ये नहीं कि तुम्हें बताना है कि सर आया ही है, ऐसे मत बोलना वरना मैं डेविएट हो जाऊंगा तुम्हें। ये बताना आया समझ में? पक्का? तो बताओ कौन से दो इफेक्ट? एक इफेक्ट है बोहर और एक हेड है। तो केवल ट्रांसपोर्ट ही नहीं करना, उसे छोड़ना भी। तो कौन CO2 को छोड़ने में मदद करेगा? हेड है। और कौन O2 को? बोहर। And this is somehow we transport the CO2. क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे? CO2. अच्छा जो मैं पढ़ाता हूँ NCERT में ना दिया हुआ तो बेकार है, इसलिए NCERT पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इन टॉपिक के बाद। क्या मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में पढ़ाया था? चलिए मैं NCERT पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी लाइन ना समझ में आए पूछना। CO2 इज कैरीड बाई हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। इसका नाम क्या रखा मैंने? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अबाउट 20-25%। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू, तुम इनको बताने के पहले 5 चीजें बता दो। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किन बातों से बनेगी? तुम पहले अपने मन में सोचो, जिन बातों से क्या होता था? बोहर इफेक्ट। पहले अपने मन में सोचो क्या होना चाहिए? PCO2, PO2, H+, pH, टेम्परेचर होना चाहिए। अब देखो लिखा है कि नहीं। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। PO2 इज मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। व्हेन PCO2 इज हाई, व्हेन इधर देखो, व्हेन PCO2 इज हाई,
आगे सुनो, PCO2 is high, PO2 is low. इन्होंने दो बोला, तुमने पांच बताए नहीं, पांच बताए? अगर PCO2 हाई हो, PO2 लो हो, H+ आयन ज्यादा हो, pH कम हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, पक्का ये हो तो क्या होगा? बोहर इफेक्ट. उस समय क्या छूट रही होगी? ऑक्सीजन. क्या छूट रही होगी? CO. क्या बन रहा होगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर है? देखो, व्हेन PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लेस इन द टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर. एंड व्हेन PCO2 इज लो, इधर आओ, व्हेन PCO2 इज लो, इधर देखो मेरी तरफ, इधर PCO2 इज लो एंड PO2 इज हाई. As in alveoli, the dissociation of CO2 from carbamino hemoglobin takes place. यानी HBCO2 से association होगा कि dissociation? राजन, या तो तुम ये जगह रोक छोड़ दो या तो पीछे देखना बंद कर दो. जैसे मैं आगे देखता हूं तुम पीछे कहां देखते हो? This kind of habit are known as perversion. परवर्टेड लोग वो होते हैं जो दूसरों के साथ निगाह गद्दी रखते हैं. हे भगवान, सर ने आपने क्या बोला? हे राजन, इधर आओ. राजन बेटा, जब तक तुम्हारा ध्यान कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं होगी, बचेगा कि निकल जाएगी? निकल जाएगी मेरे बच्चे. इधर तो बताओ, जब PCO2 ज्यादा होगी तो एसोसिएट, और जब PCO2 कम होगी तो डिसोसिएट. इन लाइनों को समझाने के लिए मैंने आधा घंटा बर्बाद किया है, ज्यादा ही बर्बाद कर दिया. इन दो लाइनों को, कहां पर कार्बामिनो बनेगी, कहां छूटेगी, कहां बनेगी, कहां छूटेगी, और दोनों की कंडीशन रट्टा मारेंगे बनने के लिए. PCO2 बनने के लिए PCO2 ज्यादा, PO2 टूटने के लिए PO2 ज्यादा. ये कहा टिश्यू में, ये कहा एल्वियोली. आगे चलो, CO2 विच इज बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर टू एल्वियोली, और इस तरीके से टिश्यू से एल्वियोली की तरफ CO2 डिलीवर हो जाती है. RBC कंटेन अ वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू. तो बताओ कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहां पर प्रेजेंट है? दो जगह, RBC में भी और प्लाज्मा. तो ये जो रिएक्शन लिखी है ये कितनी जगह होगी? दो जगह, प्लाज्मा में भी और RBC. देखो, दिस एंजाइम फैसिलिट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, CO2 प्लस H2O, H2CO3, SCO3 माइनस प्लस H+. ये रिएक्शन मैंने लिखाई थी. रिवर्सिबल की रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कहां पर होगी? दो जगह, एक कहां? RBC और दोनों जगह होगी. ज्यादा कहां? बाइकार्बोनेट ज्यादा कहां? RBC. वहीं रहेंगी, बाहर आएंगे? प्लाज्मा में आएंगे. शिफ्ट का नाम क्लोराइड. तो मैंने एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया? क्लोराइड से. बुक में दिया नहीं. आगे, At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into blood, RBC and plasma. दोनों जगह जाती है, दोनों जगह bicarbonate बनाती है and form the bicarbonate H+. बताओ ज्यादा कहाँ बनेगा? RBC. कम कहाँ? Plasma. लेकिन जो बना है RBC में वो RBC के बाद. आगे चलो, At the alveolar site where PCO2 is lit, लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O. द CO2 इज ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट टिश्यू लेवल, ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोली, रिलीज आउट CO2. क्या निकालती है? रिलीज आउट CO2. मैंने यहां पर एक इफेक्ट का नाम लिया, हेल्डन इफेक्ट. बुक ने नहीं लिया, याद है? मैंने हेल्डन इफेक्ट बोलता है कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. क्या? और ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट. पहले वो किसे निकालेगा? CO2 को. और फिर क्या छोड़ेगा? H+. किससे रिएक्शन करेंगे? HCO3 माइनस. क्या बनाएंगे? H2CO3.
तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड थी वो बैक है, क्या बनेगा? CO2 और वाटर, क्या निकल लेगा? CO2. इस तीन दिन में, इस दो दिनों के अंदर मैंने तीन बड़े वैज्ञानिकों के नाम लिए, बोलो, बोहर सिपे, हेल्डन सिपे, हैमबर्गर्स फिनाम, तीनों सेम है कि अलग अलग? और बोलते हैं हर 100 ml में कितने CO2 कितना ट्रेवल करती? 4. O2 कितना? 5. पढ़ाया था? ऑक्सीजन कितना? 5 ml. और CO2 कितना? 4. इसके अलावा NCERT की ये तुम लाइनें समझ नहीं पाते अगर मैं इतना हल्ला नहीं मचाता, बाकी रट्टा मारना पड़ता. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में जो कुछ भी लिखा था मैंने पढ़ाने की कोशिश की. बताइए कहां से कहां ग्रेडियंट बन रहा? टिश्यू से एल. बच्चा मेरे, ये सबसे समय सही समय होता जब कुछ ना लिखा हो, और फिर अगर ब्रेन काम कर गया देन यू आर हीरो, अदरवाइज जो कुछ लिखा था वो केवल आप रट्टा मार के पढ़ा रहे थे. चलो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कहां से? उससे से कितने तरीके का? डिसॉल्व फॉर्म में कितना परसेंट? 7. बाइकार्बोनेट 70. और बाइकार्बोनेट बनना और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनना कोई बात है, और डिसॉल्व होना कोई बड़ी बात? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा? CO2 की. डिसॉल्व हो गई. बाइकार्बोनेट बनाते बनाए CO2 अंदर घुसी, प्लाज्मा में आई, आरबीसी में गई, एंजाइम मिला, क्या बताओ? कार्बोनिक दोनों जगह मिला. ज्यादा कम? बाइकार्बोनेट दोनों जगह बना. लेकिन आरबीसी का बाइकार्बोनेट बाहर आया, शिफ्ट हुआ, क्या? नाम बताओ. हैमबर्गर्स के नाम बाइकार्बोनेट खूब आ गया. कितना परसेंट? 70. 7% CO2 चल रही थी, 70% ये आ गई. तभी बोहर इफेक्ट लगा. क्या लगा? बोहर. क्या निकलने लगी? ऑक्सीजन. कहाँ की तरफ? टिश्यू. हीमोग्लोबिन खाली होने लगी. क्या आने लगी? CO2 हीमोग्लोबिन में आए. इसके लिए वही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो बोहर फैक्टर. यस और नो? क्योंकि बोहर इफेक्ट में ऑक्सीजन छोड़नी है, CO2 लेनी, ऑक्सीजन कम, CO2 टेम्परेचर, pH कम, H+ ज्यादा, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनने लगी. यही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन तीनों यहाँ पहुंचे. जो डिसॉल्व CO2 थी वो तो निकल गए. कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट फंस गए. तभी पता चला कि आप पहुंचे हैं हीमोग्लोबिन को लेकर, और हीमोग्लोबिन कहती है अगर ऑक्सीजन PCO2 टेम्परेचर कम, pH H+ कम, तो मुझे किससे ज्यादा प्यार होता है? तो मैं CO2 के साथ क्या बनाऊंगी? ऑक्सी. HbO2 बन गया, नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. बस बवाल हो गया, क्योंकि इट विल बिहेव लाइक. तो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी कहीं पर भी जाओ, कोई पूछे व्हाट इज हेल्डन इफेक्ट, कुछ नहीं जानते हम इतना जानते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रांग एसिड. और जब तुम इतना फील करोगे तो अगला पॉइंट याद हो जाएगा, अगर स्ट्रांग एसिड है तो वो वीक एसिड को रखेगा कि हटाएगा? हटाएगा. और CO2 एक वीक एसिड है, तो बताओ उसे रखेगा कि हटाएगा? तो बताओ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की CO2 रुकेगी कि भाग जाएगी? भाग जाएगी. तो दो निकल गए, एक डिसॉल्व निकल गई और एक कार्बामिनो. बचा कौन? बाइकार्बोनेट. चिल्ला रहा मुझे भी कोई बचाए, बोले रुको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल रिलीज H+ बिकॉज इट इज अ स्ट्रांग H+ किससे रिएक्शन करेंगे? बाइकार्बोनेट. क्या बनाएंगे? H2CO3. स्टेबल क्या? अनस्टेबल. क्या छूटेगा? CO2 वाटर. वाटर रह गया CO2. वाकई आया? पक्का? 100 ml में कितनी? 4. ऑक्सीजन 5. ऑक्सीजन छोड़े 5. ले गए 4 ml. पक्का? कौन? किसका? तो जैसे 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 एल्वुलाई पे क्यों कम होगा? बन कहां रहा है? डंडा लाओ. बन कहां रहा है? ब्लड. तो ब्लड में पीएच कम हो रहा है, बिल्कुल होता रहेगा, लेकिन एल्वुलाई में तो बढ़ता रहेगा. एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि तुम सांस लेना रोक दोगे क्या? रुक जाओ, सब कुछ एक्सचेंज हो जाने दो.
कहां पर? बोअर इफेक्ट का उल्टा कब लगता है? जब ऑक्सीजन ज्यादा हो। कहां? ब्लड में कि बाहर? और बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होना कभी रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सांस लेना तुम रोकोगे नहीं। आइटम हो, पहले बात कर रहे हो बाहर की और देख रहे हो अंदर, एक ही जगह रहो। क्योंकि एक रेस्पेक्ट में जो क्लॉकवाइज है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉक। तुम्हें बाहर का एनवायरमेंट कैसा रखना, हीमोग्लोबिन के बाहर का ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम, और वो कभी कम रिवर्स नहीं होगा। समझ गए? बैठो, हो गया? तो बताओ, हम लोगों ने पांच टॉपिक पढ़ने थे, पांचों पढ़ लिए? ब्रीदिंग पढ़ ली? एक्सचेंज गैसेस पढ़ लिया? ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया? तो इस तरीके से रेस्पिरेशन खत्म हुआ एक्सेप्ट रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। अगला टॉपिक, बातें मत करो बेटा, और एनसीईआरटी नहीं लाओगे तो अगली बार उठा के फेंक देंगे बाहर। और जो लोग भी मेरे नोट्स बना रहे हैं वो मरेंगे। यस, अक्सर टीचर कहता है जो मैं पढ़ाऊं वही बनाओ। मैं अकेला टीचर कहता हूं कि मेरे बातें मत लिखो, मैं जो बोल रहा हूं मत करो, केवल क्या पढ़ो? एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी पढ़नी, उसमें मदद मेरी लग जाए तो अच्छा है। और जो मेरे नोट्स पढ़ेगा वो मरेगा। दोनों पढ़े लेकिन पहले एनसीईआरटी। बताओ, मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट निगेटिव कर रहा हूं। यस, बिकॉज सिलेक्शन हमें तुम्हारा चाहिए। मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूं इस बात पे मैनर नहीं करेगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा है वही आने वाला है। ओके? और जब आप किसी का नोट आकाश पाताल पता नहीं कहां कहां का लेकर के बैठते हो तो हमें मालूम चल जाता कि तुम गए काम से, तो मैं अब कोई नहीं बचा सकता। आओ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। बोलते हैं ब्रीदिंग के दो मुख्य प्रोसेस हैं। वन इज नोन एज इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। बातें चालू ना, और तुमको लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। सांस लेना और सांस छोड़ना, कैविटी याद है? थोरैसिक कैविटी। अभी देख ले, चेक कर ले, ये वाली बोन, ये चेस्ट बोन है, वर्टिब्री है, रिब्स है, नीचे नेक है। अगर थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम, प्रेशर, बाहर प्रेशर, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब। इंस्पायरेशन के इंस्पायरेशन के लिए थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा? इसके लिए इंटरकॉस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और कौन है? डायाफ्राम। याद है? ये इतना तुम बोल देते हो तुम्हारा सर को जीवन मिल जाता। ये बोन का नाम, ये क्या? ये वर्टिब्री है, ये डायाफ्राम। और यहां पर रिप्स हैं। मैं ऐसे ही बनाता हूं तुम्हें याद रहने के लिए। बताओ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल है? और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब भी खींचेंगी तो पसलियां बाहर और ऊपर। तो बताओ, जिस समय पर रेस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन, उस समय सबको मालूम है डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे? नीचे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बताओ स्टर्नम बाहर, बाहर आएगी? देखो भाई, इट इज बाहर और ऊपर, तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। तो इंस्पायरेशन के लिए कितनी मसल चाहिए? दो। एक कौन? डायाफ्राम, और एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब बुक ने दो बार लिखा तो दो बार पढ़ाना पड़ रहा। लेकिन बोलते हैं इन दोनों मसल को कॉन्ट्रैक्ट कौन कराएगा, इंस्पायरेशन कौन कराएगा? बोलते हैं इंस्पायरेशन करने के लिए वी हैव द ब्रेन। अभी डर है मुझे कि तुम समझा पाओगे।
मेरी तरफ देखो, द ब्रेन विच इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड इट इज फोर ब्रेन, बोलो फिर से बोलो, बैक साइड इट इज हाइंड ब्रेन, फिर से बोलो, और बीच में तो हम लोग मिड ब्रेन बाहर से देख नहीं सकते, क्योंकि हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में दबा हुआ डब्बा है मिड ब्रेन। तो ब्रेन में भी हाइंड ब्रेन की बात करेंगे आप। मैं किसकी बात नहीं कर रहा हूं, फोर ब्रेन और मिड ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में दो हेमिस्फीयर है, दीज आर नोन एज सेरिबेलम, सेरिब्रम, दे आर नोन एज सेरिबेलम। सॉरी मेरी जो भी डायग्राम है इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, सेरिबेलम, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ। इन दोनों को जोड़ने वाला तितली जैसा बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज पॉन्स, फिर से बोलो, पॉन्स। और पॉन्स जब नीचे चलेगा इट विल फॉर्म मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर से बोलो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। और यही मेडुला ऑब्लोंगेटा जब फोरामेन ऑफ मैग्नम के बाहर निकलेगा तो वो नेक के बाहर निकलेगा, नेक के बाहर निकलेगा और वर्टिब्रल कॉलम में घुसेगा का, एंड देन इट इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड, फिर से बोलो, स्पाइनल कॉर्ड। मेरे साथ आओ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स ऊपर वाला, पॉन्स नीचे, मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड से मतलब नहीं है, इसे हटा दो। अब बताओ कितने पार्ट, ऊपर, बीच में सेरिबेलम, नीचे मेडुला, याद रहेगा। बोलते हैं रेस्पायरेशन के लिए देयर आर सम रेस्पायरेटरी सेंटर, और दीज रेस्पायरेटरी सेंटर आर प्रेजेंट इन ब्रेन न्यूक्लियाई, ब्रेन में प्रेजेंट है और वो भी ब्रेन की नर्व में प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई ब्रीदिंग इज अ न्यूरल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल, यानी ब्रीदिंग को हम लोग नर्व के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब हम इंस्पायरेशन, सांस लेना और सांस छोड़ना किससे कंट्रोल कर सकते हैं, नर्व्स। और बोलते हैं जो न्यूरल कंट्रोल है इनके लिए नर्व्स निकलती हैं फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड फ्रॉम पॉन्स। तो बोलते हैं कि रेस्पायरेशन के लिए देयर आर टू सेंटर, वन इन एंड अदर वन इज पॉन्स। पॉन्स में पाया जाने वाला रेस्पायरेटरी सेंटर इट इज न्यूमोटैक्सिक, फिर से बोलो, पी फॉर पॉन्स, पी फॉर न्यूमोटैक्सिक रेस्पायरेटरी सेंटर। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में इट इज नोन एज रिदम सेंटर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, पूरा नाम है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। तो पहला क्वेश्चन यही सॉल्व कर दो कि सांस लेने के लिए कंट्रोल केमिकल कंट्रोल है कि नर्वस, नर्वस। और ये नर्व निकली कहां से है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट, तीन, दो नहीं एक, कौन, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला। और ये न्यूक्लियाई कहां से निकले, दो जगह से, एक कहां से, पॉन्स। और सुन लो, यहां से नर्व निकली है बाकायदा, नर्व, और वो नर्व जाकर के मसल को कंट्रोल कर रही हैं, एंड मसल्स आर डायाफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तभी तो डायाफ्राम नीचे जा रहा है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बाहर आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है।
तो यहां से नर्व निकल रही है इन सेंटर के नाम बहुत सही ढंग से पढ़ लो, वैसे भी रट्टा मारा है तुमने। नंबर वन न्यूमोटैक्सिक रेस्पायरेटरी सेंटर, और दूसरा रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ये है एनसीईआरटी, और इसको आप बाय करते हैं। नाम याद रहेगा कितने, एक कौन न्यूमोटैक्स, दूसरा रेस्पायरेटरी। जब समझ में आना तब लिख लिया, जब समझ में आए तभी लिखना अब, और ना समझ में आए तो मत लिखना। लेट सपोज मैंने ये एक लाइन बनाई है और मैं ये मानता हूं कि इसके ऊपर है पॉन्स, सबको मालूम है पॉन्स नीचे की ऊपर, ऊपर अभी अभी बनाया था पॉन्स, ऊपर बनाया था और नीचे बनाया मेडुला ऑब्लोंगेटा, फिर से बोलो मेडुला, ये सब ब्रेन के पार्ट है, फोर ब्रेन की, मिड ब्रेन की, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब लिखना नहीं है, ध्यान से समझना है। बोलते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में डॉर्सल साइड में, किधर बेटा डॉर्सल, जस्ट सी दिस, एक पाइप लीजिए बेटा, सुबह सुबह पाइप उठा, ये नीचे नीचे रखो, यही उठा, यही उठा, यस यही दे, बस बस। लेट सपोज इट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा। सी अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा मैं अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हटा रहा हूं, दिस मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये वाला पार्ट वेंट्रल की डॉर्सल, वेंट्रल हाँ, और ये वाला डॉर्सल। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को तुम देखो तो सामने वाला, पीछे वाला डॉर्सल। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के डॉर्सल साइड में कहां पर, डॉर्सल साइड में, अभी आवाज आ रही है, बैटरी उठाओ, ओके आवाज आ रही है। तो बोलते हैं डॉर्सल साइड पे कुछ नर्व के न्यूक्लियस हैं, नर्व के न्यूक्लियस है, यानी ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी डॉर्सल साइड में नर्व न्यूक्लियस है, एंड दीज नर्व न्यूक्लियस आर नोन एज डॉर्सल रेस्पायरेटरी सिस्टम, डीआरएस। व्हाट इज डीआरएस? डॉर्सल रेस्पायरेटरी सिस्टम। और इन डॉर्सल रेस्पायरेटरी सिस्टम से निकली हैं नर्व्स जो दो जगह जा रही हैं, एक जा रही है ये डायाफ्राम, बोलो कहां डायाफ्राम, दूसरा तुमको बता देना चाहिए दे इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, चलो यहां से नर्व निकली किधर गई, एक कहां डायाफ्राम, फिर से बोलो डायाफ्राम, और एक कहां गई एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, बोलो और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, तो डायाफ्राम का काम याद है, अगर याद है तो तुम बताओ, अगर ये थोरेसिक कैविटी है तो ये डायाफ्राम है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बताओ डोम रहेगा कि फ्लैट, फ्लैट, और क्या जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये बढ़ जाएगा, ये कौन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, और ये कौन डायाफ्राम। बोलते हैं डॉर्सल रेस्पायरेटरी सिस्टम हर तीन मिनट के बाद, क्या दो मिनट के लिए, बोलो फिर से बोलो, हर दो मिनट के लिए, दो मिनट के लिए एक सिग्नल भेजता, ओ सॉरी दो सेकेंड, आई एम सॉरी वेरी मच सॉरी, हर तीन सेकेंड के बाद, बोलो और दो सेकेंड के लिए एक सिग्नल भेजता है दोनों तरफ, डायाफ्राम को भी भेजता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को भी सिग्नल भेजता है, कितने सेकेंड के लिए, दो सेकेंड, और जितने ही सेकेंड के लिए भेजता है उतने सेकेंड तक डायाफ्राम क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट,
और एक्सटर्नल इंटर मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये सिग्नल हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं मसल को, और अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, ये स्टर्नम था, ये वर्टिब्रल कॉलम था, ये डायाफ्राम था, ये नेक थी, डायाफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगा तो बताओ कितने सेकंड के लिए? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कितने? 2 सेकंड। तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। कितने सेकंड के लिए? और इन 2 सेकंड के लिए क्या होने लगा? इंस्पायरेशन। तो याद रखना, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और डायाफ्राम दोनों कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए? 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुए, फिर इसके बाद रुक गए। इसका मतलब सिग्नल जो आया था वो आया कि रुक गया? अब सिग्नल रुक गया, तो बताओ अगर सिग्नल रुक गया तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट रहा कि रिलैक्स होने लगा? और रिलैक्स होने लगा तो जो वो अपनी पोजीशन पे जाने लगा? अपनी पोजीशन पे जाने लगा, तो डायाफ्राम कम हुआ, प्रेशर ज्यादा, इंस्पायरेशन की एक्सपायर। बेटिया नहीं समझ में आ रहा? तो कितने सेकेंड तक इंस्पायरेशन चला? 2 सेकंड तक के लिए इंस्पायरेशन चला, और जैसे ही 2 सेकंड पूरे हुए ये सिग्नल आने बंद, और जैसे ये सिग्नल आने बंद हुए बताइए कॉन्ट्रैक्शन जारी रहा कि रुक गया? रुक गया। और अगर कॉन्ट्रैक्शन रुक गया तो बताओ क्या चालू हो गया? रिलैक्स कराना पड़ा कि अपने आप? तो डायाफ्राम जहां थे वहां से वापस लौटे, और ये भी वापस लौटे। बताओ थोरैसिक कैविटी बढ़ी कि घट गई? घट गई। वॉल्यूम, प्रेशर ज्यादा, इंस्पायरेशन के एक्सपायर। बोले कितनी देर तक चला? 3 सेकंड तक। तो बताओ 3 सेकंड तक क्या चलता रहा? एक्सपायर। अब जरा मेरे साथ रहिएगा, समझिएगा, बताइए सांस ली कितना? 2 सेकंड तक लेते रहे, और फिर 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड तक छोड़ते रहे। फिर सुन लो, 2 सेकंड इंस्पायरेशन, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। क्या सांसें रिदम में चलती रही? किसमें? एंड दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सिस्टम। इसलिए आपको पता भी नहीं चलता और आप सांसों को लय में लेते रहते हैं, रिदम में लेते रहते हैं। और एक बार सांस आना और एक बार सांस जाना टोटल कितना सेकंड? 5। और 5 सेकंड, इसका मतलब 5 सेकंड में एक बार तो 60 सेकंड में 12 बार नहीं है? और इसीलिए आप सांस कितनी बार लेते हो? 12 से 16 पर मिनट। ये कोई रट्टा मारने की चीज थोड़ी ना। तो जब आप चुपचाप बैठे हो उस चुपचाप समय पर भी एक बंदा चुपचाप रिदम में काम कर रहा है, वो कौन है? DRS। फिर से बोलो, व्हाट इज DRS? डॉर्सल रेस्पिरेटरी सिस्टम, आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। कितने सेकंड के लिए इंस्पायरेशन भेजता है और कितने सेकंड के लिए एक्सपायरेशन? 3 सेकंड के लिए एक्सपायरेशन, और ये चलता रहता है। और भाइयों बहनों, इट इज नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। बोलो कैसी? नॉर्मल। चुपचाप सांस लेते रहो, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। किसी को, बगल वाले को पता भी ना चल पाए कि तुम सांस ले रहे। इट इज नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, किसी को पता भी नहीं चल पा रहा। और कौन काम कर रहा? DRS। फिर से बोलो, DRS। और यही आपकी 24 घंटे में 99% टाइम तक यही काम करता है। लेकिन कभी कुत्ते ने दौड़ाया? दौड़ाया है? कभी अनुलोम विलोम किया है? हाँ, ये क्या है? हम बेटा विलोम इसलिए नहीं कर रहे कि बहुत सारा याद रहेगा। उसके लिए भगवान ने आपको मेडुला में ही वेंट्रल साइड पर, किस साइड पर? वेंट्रल साइड पर एक सिस्टम दिया है, इसका नाम है VRS, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। सेंटर ये NCERT में नहीं है, इसलिए लिख लेना। और वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंट्रल 2 जगह नर्व दे रहा। एक नर्व का नाम है बेटा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल,
और एक का नाम है एब्डोमिनल मसल। और जिन लोगों ने पीछे पढ़ा नहीं है ना मेरे से, उनके लिए आफत हो गई। बताओ इस सिस्टम का नाम वेंट्रल रेस्पायरेटरी सिस्टम। ये कभी कभी काम आएगा जब आप फोर्सफुल करेंगे इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन। वीआरएस एक नर्व भेजता है डीआरएस को, ना समझो तो ना समझो और मरो। वीआरएस को, और जब वीआरएस की बात सुना सुननी पड़ती है तो डीआरएस थोड़ा ज्यादा पावर से काम करता है। क्या बोला सर, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ फिर से बोल रहे, व्हाट इज वीआरएस? वेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसको मैसेज भेज रहा? डीआरएस। और ये डीआरएस को भेजे गए सिग्नल हमेशा इंस्पायरेटरी हैं। कैसे हैं? इंस्पायरेटरी, क्योंकि डीआरएस को केवल इंस्पायरेशन करना ही आता है। सर ये नहीं पता चला, फिर से बोलो। और इसीलिए कह रहे हैं एक सेकंड के लिए मेरा साथ मत छोड़ना, पहले डीआरएस को पढ़ो तभी आएगा। डीआरएस को क्या करना नहीं आता? एक्सपायरेशन। क्या करना आता है? वो केवल किसे बोलता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। और कि तुम क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट। क्या करो? तो दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कितने सेकंड के लिए? दो सेकंड। तो बताओ डीआरएस अगर ऑर्डर देता है तो कॉन्ट्रैक्शन के ऑर्डर देता है कि रिलैक्शन के? कॉन्ट्रैक्शन के। अगर कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर गया तो क्या होगा? इंस्पायरेशन। और ऑर्डर आना बंद तो क्या हुआ? तो डीआरएस क्या नहीं करवाता, क्या करवाता है? इसलिए इंस्पायरेशन इज एक्टिव और एक्सपायरेशन इज पैसिव। मैंने इसीलिए बोला था एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल नहीं। नींद आ रही गुरु? अब कैसे कह दो कि हाँ आ रही? आप सुनो, अगर इनका काम केवल इंस्पायरेशन है तो अगर वीआरएस ने इनको कोई मैसेज भेजा है तो बोले हमको तो एक ही काम आता है। लेकिन तुमने भेजा है और तुमको बोलते हैं लोग फोर्सफुल। क्या बोलते हैं? फोर्सफुल। तो अब तुम्हारे सिग्नल को अगर मैंने माना तो मेरा सिग्नल जो यहां से चलेगा वो नॉर्मल होगा कि फोर्सफुल? यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कम कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा, डायफ्राम कम की ज्यादा, तो इंस्पायरेशन कम की ज्यादा, ज्यादा। इसका मतलब मैं क्या करने लगूंगा? फोर्सफुल इंस्पायरेशन। नहीं आया सर। बेटिया देखो ना, ध्यान दिया छोड़ा तो गया काम से। वीआरएस जब भी सिग्नल भेजेगा कैसे भेजेगा? फोर्सफुल। और वीआरएस ने सिग्नल किसको भेजा? डीआरएस। और डीआरएस कहता हमें केवल सिग्नल किसे देने आते हैं? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटर। अगर आप मुझे सिग्नल ना भेजते तो मेरा रिदम सेट था, मेरा रिदम दो सेकंड के लिए, तीन सेकंड के लिए, दो सेकंड के लिए, तीन सेकंड के लिए। अचानक तुम्हें याद आया कि तुम्हें करना है। प्लीज डोंट मिमिक, सांस का ले पकड़िए। दिस इज नॉर्मल और फोर्सफुल। इसका मतलब डायफ्राम को मुझे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराना है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को भी ज्यादा। नाउ इट इज फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ये काम डीआरएस कौन करवाएगा? डीआरएस। वीआरएस कहेगा डीआरएस से कि मैंने तुम्हें सिग्नल भेजे हैं, तुम अपने सिग्नल स्मॉल रखो कि मतलब हैवी। अगर हैवी हुआ तो डायाफ्राम कॉन्टेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल भी थोड़ा कॉन्टेक्ट ज्यादा करेगी। तो बताओ क्या होगा? फोर्सफुल। अब जरा मुझे बताइएगा जितने लोगों ने सुना है, बताओ मेरे प्रोसेस का नाम ये क्या है? फोर्सफुल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये क्या? ये क्या? तो हर बार फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो ये जरूरी नहीं है।
तो लोग सोचते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो अब एक्सपायरेशन भी फोर्सफुल होगा, जरूर नहीं। देखो फोर्सफुल, तो बोलते हैं फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद नॉर्मल एक्सपायरेशन तो यही सेंटर कर देगा, लेकिन अगर मुझे क्या कराना हो, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कराना हो तो मुझे डीआरएस की मदद नहीं लेनी, खुद वीआरएस किसे भेजेगा, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिनल। तो बताओ एब्डोमिनल मसल पुश करेगी, डायफ्राम कम जाएगा ऊपर की ज्यादा, ज्यादा, और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्टेक्ट करेगी, थोरेसिक कैविटी कोलैप्स होगी, कोलैप्स होगी, तो वॉल्यूम और कम, प्रेशर और ज्यादा, और एक्सपायरेशन और ज्यादा। तो बताओ कौन है जो एक्सपायरेटरी सिग्नल भेजता है, वीआरएस। इसीलिए मैंने पढ़ाया था नॉर्मल एक्सपायरेशन के लिए कोई मसल और फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कितनी मसल, दो, एक कौन, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल और एब्डोमिन। जब तक ये दोनों नहीं बताते मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ मैं क्या कर रहा हूं, कौन है वीआरएस, हाँ वीआरएस, नहीं आया, आ रहा है बाबू, अभी आया न्यूमोटैक्सिक। बिना चैप्टर खत्म किए छोड़ूंगा नहीं मैं, और इसलिए जिसको भी रुक जाना हो कहीं पर भी मुझसे बोलेगा नहीं, चुपचाप बैग उठाएगा निकल जाएगा। एंड द न्यूमोटैक्सिक नाम से ही मतलब है टैक्सिक, टैक्सिक का मतलब होता है फास्ट। न्यूमोटैक्सिक सेंटर दोनों जगह बेटा मैसेज भेजते हैं, टूवर्ड्स डीआरएस एंड टूवर्ड्स वीआरएस, और डीआरएस की तरफ जो सेंटर भेजते हैं वो इनहिबिटरी है। कैसे इनहिबिटरी, अरे यार बड़ा बड़ा ले, यानी ये जो सिग्नल 2 सेकंड के लिए चल रहा था वो 2 सेकंड तक चलता रहेगा कि पहले टूट जाएगा, पहले टूट जाएगा, ये तब काम आएगा जब कुत्ता दौड़ाएगा। बताओ इंस्पायरेशन कितनी देर के लिए, 2 सेकंड के लिए, तेरे कुत्ते की तरह हांप रहा है, बड़ा खुश। बेटा हम काका नहीं बनते तुम्हें समझाने के लिए, तो सांस लेने के बहुत तरीके हैं, एक वो तरीका जिसमें किसी को ना पता चले, नॉर्मल, एक एक कुत्ते ने दौड़ा, इसका मतलब इंस्पायरेटर सिग्नल 2 सेकंड के लिए चलेगा नहीं, इसका मतलब सिग्नल चलेगा फास्ट, स्लो की फास्ट, फास्ट। किसने किया, न्यूमो। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के सिग्नल डीआरएस के सिग्नल को जल्दी जल्दी कट करते हैं, जल्दी जल्दी कट, तो ये सिग्नल बहुत देर तक चलते हैं नहीं, किसका तक, स्लोली चलते हैं, कैसे चलते हैं, स्लोली, नहीं फास्ट, जल्दी जल्दी चलते हैं। और बताओ आपका रेस्पिरेटरी रेट घट जाता है कि बढ़ जाता है, अब तो नाम बोल दोगे, बोलो ये वाला न्यूमोटैक्स, बोलो ये वाला डीआरएस, ये वाला वीआरएस, बुक में इसका नाम, इन दोनों का नाम है, इसका नाम बुक ने क्या रखा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो नॉर्मल रिदम बनाए, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो रिदम में फोर्सफुल कर दे, फोर्सफुल कर दे वीआरएस, हाँ, और जो आपके रिदम को फास्ट कर दे, न्यूमोटैक्सिक, कौन, आप सुनो। अब इसमें अलग अलग टीचरों के अलग अलग मत हैं, मैं किसको मानूंगा, सो देयर इज अ एरिया इन ब्रेन नोन एज कीमो सेंसिटिव एरिया, मैं एनसीईआरटी की लॉकर के चल रहा हूं, कुछ लोग इस एरिया को पॉन्स में लिखते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन लें, कुछ लोग इस एरिया को पॉन्स में मानते हैं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कहती है कि दिस कीमो सेंसिटिव एरिया इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, एडजेसेंट टू
एंड रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इज इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. नहीं आया ना, तुमने सुना ही नहीं, बताओ. इट इज बोलो कीमो सेंसिटिव एरिया. फिर से बोलो, फिर से बोलो. प्रेजेंट एडजेसेंट टू रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर एंड हेंस इट इज प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इज इन टू मेडुला ऑब्लोंगेटा. देयर आर सम टीचर, और रियल है वो, गलत नहीं है, पुरानी किताबें बोलती हैं कि इस कीमो सेंसिटिव एरिया का कुछ पार्ट कहाँ होता है, पांस. पर हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, दे आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू रिदम सेंटर एंड दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा. और बोलते हैं ये कीमो सेंसिटिव एरिया भी कहाँ है, फोर ब्रेन की हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. और ये हाइंड ब्रेन का कीमो सेंसिटिव एरिया ब्लड को देखता है, किसको देखता है, ब्लड. और अगर ब्लड में, अगर भैया सुन लो, अगर CO2 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, CO2, क्या ज्यादा है, CO2. CO2 ज्यादा है तो H प्लस आयन और pH, तीन चीज बोलो बोलो. अगर ब्लड में CO2 ज्यादा है, CO2 एसिड है, तो H प्लस आयन ज्यादा, pH का, तो ये सेंस कर लेता है. ये तीनों केमिकल हैं, क्या है, केमिकल. तो इसीलिए कौन सा एरिया, तो ब्रेन कहता है कि हे ब्लड तुम कहां से आ रहे हो, बोले हम तो ब्लड हैं हमारे हार्ट से. तो बोले तुम अगर हमारे पास आ रहे हो तो आर्टरी ने भेजा होगा, बोले हां सर आर्टरी ने भेजा. बोले कौन सी आर्टरी ने, बोला बोले सिस्टमिक, क्योंकि भाई ऑर्गन में ब्लड कौन भेजता है, सिस्टमिक. तो बोलते हैं सिस्टमिक आर्टरी में तो भैया ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, CO2 कम होनी चाहिए, यस और नो, क्योंकि सिस्टमिक आर्टरी में ब्लड कहां से आता है, लंग्स से. फिर बोलो, और जो लंग्स से ब्लड आया है वो एस, उसमें ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, ज्यादा है CO2 कम. पर जो बेटा ब्लड आया उसमें क्या ज्यादा है, CO2. तो इस एरिया ने कहा इसका मतलब लंग सही से काम नहीं, इसको जला देते हैं. हम ही बेटा परेशान है तुम्हें समझाने के लिए और कुछ नहीं. ब्रेन पे ब्लड जा रहा आर्टरी के द्वारा, किसके द्वारा, आर्टरी. आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कैसा, ऑक्सीजनेटेड. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 होनी चाहिए कम, ऑक्सीजन छोड़ दो, ऑक्सीजन की बात ही मत करो, CO2 क्या होनी चाहिए, कम. और यहाँ CO2 क्या है, ज्यादा. इसका मतलब आने वाले ब्लड में CO2 ज्यादा, इसका मतलब लंग ने काम सही नहीं किया, इसका मतलब सही से एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हुआ, इसका मतलब ब्रीदिंग में कुछ गड़बड़ी. तो कीमो सेंसिटिव एरिया इस बात को सेंस कर लेता, किसको, CO2 को ज्यादा होने को, H प्लस आयन को ज्यादा होने को, pH को कम होने को. और जैसे ही वो सेंस करता है कि ये सब है, वो DRS से कहता है, किसे कहता है, DRS, कि गुरु जो इंस्पायरेशन चल रहा उसमें गैस बराबर जा नहीं रही है. तो फिर DRS कहता फिर क्या करें, तो कहता कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करो. कहता करते हैं, बोलो सिग्नल भेजो स्ट्रॉन्ग, कैसे, एंड डीप, एंड डीप. सीख देखो व्हाट इट इज, सिग्नल कैसे है, स्ट्रॉन्ग, इंस्पायरेशन काफी देर के लिए और ज्यादा देर के लिए. इट इज, बदतमीजी मत करो, हम कर रहे हैं, हमको करने दो. एक घंटा आप मारेंगे तो छह दिन दिखाई नहीं पड़ोगे आप. तो जब भी आपको जमाई आ रही है उसमें किसका रोल है, कीमो सेंसिटिव एरिया. अचानक बैठे बैठे आपके पूरे ब्लड में ऑक्सीजन की नहीं, CO2 की अधिकता हो गया, ऑक्सीजन की बात मत करना, CO2 की. अब ये CO2 की अधिकता वाला ब्लड कहां गया, ब्रेन. ब्रेन ने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा, बच्चे को CO2 ज्यादा मिल रही है, इससे कहो कि O2 ज्यादा ले. तो O2 कैसे ज्यादा ले, इंस्पायरेशन बढ़ा दे, क्या बढ़ा दे, इंस्पायर. तो किसने बोला, कीमो सेंसिटिव एरिया, किससे बोला, DRS, कि भैया आप इंस्पायरेशन के सिग्नल कैसे करो, डीप एंड स्ट्रॉन्ग.
अब देखना यहां पर भी सिग्नल थे, इसने जो सिग्नल भेजे थे वो फास्ट भेजे थे, इसने भेजे थे डी। तो बताओ, अब बताओ सारे सिस्टम जोड़ के बताना, बताओ ये कौन है? नॉर्मल, नॉर्मल हो गया। अच्छा वीआरएस न्यूमोटेक्स, मजाक लग रहा बिटिया, ये सब ना करें तो तुम्हें कभी ना आ पाएगा किस सेंटर का क्या काम है। तो कीमो सेंसिटिव एरिया किसे डिटेक्ट करता है? ऑक्सीजन को कि CO2 को? CO2 और किसको? H+ को और किसको? PH। क्या ज्यादा? क्या ज्यादा? H+। क्या कम? PH। कौन एक्टिव? कहां पर है? मेडुला ऑब्लेट। कुछ बुक लिखती है कॉन्स में भी है, पर बेटा हमारी NCERT क्या लिखती है? नियर द DRS। और बताओ ये किसको डिटेक्ट करेगा? अब बताओ ब्रेन तो ब्रेन है, आंख भी ब्रेन है क्या? आंख क्या है? रिसेप्टर। जीभ क्या है? नोज क्या है? स्किन क्या है? और रिसेप्टर भी रिसीव करके कहां पहुंचाते हैं? ब्रेन। या तो ब्रेन खुद डिटेक्ट कर ले या तो रिसेप्टर। यस देयर आर सम रिसेप्टर विच प्रेजेंट इन हार्ट। इधर देखो ये रहा हार्ट, हार्ट से निकली एओर्टा। बोलो क्या निकली? एओर्टा। और एओर्टा में कैसा ब्लड? डीऑक्सीनेट की ऑक्सीजनेट है। आगे निकली कैरोटिड आर्टरी। बोलो कौन? कैरोटिड। द आर्टरी विच ग्रोस टू द ब्रेन दे आर नोन एज कैरोटिड आर्टरी। एन आर्टरी विच कर्व इट इज एओर्टा। फिर बोलो एओर्टा। और इन एओर्टा के आर्क में, आर्क ऑफ एओर्टा, पूरी एओर्टा की आर्क ऑफ, आर्क ऑफ, और कैरोटिड आर्टरी के बाइफरिकेशन में, कैरोटिड की लेफ्ट एंड राइट बाइफरिकेशन में देयर आर कीमो रिसेप्टर। बेटा 10 बच्चों में 7 बच्चे कीमो सेंसिटिव और कीमो रिसेप्टर एक ही मानते हैं। दोनों एक ही नहीं है। एक कहां है? एक कहां है? हार्ट। हार्ट में भी कहां? एओर्टिक आर्क। फिर से बोलो। और कौन सी आर्टरी? कैरोटिड आर्टरी। फिर से बोलो कैरोटिड। और ये भी वही डिटेक्ट करते हैं जो कीमो सेंसिटिव एरिया डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करते हैं बोलो? ये भी क्या डिटेक्ट कर सकते हैं? CO2 ज्यादा, H+ आयन ज्यादा, pH कम। तो बोलते हैं बताओ रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का कोई रोल है कि नहीं है? नहीं है। किसका रोल है? CO2 और pH और H+। खाली नाम ले लो तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो पहला DRS, दूसरा तीसरा कीमोटैक्सिक, चौथा न्यूमोटैक्सिक, बाद कीमो सेंसिटिव और फिर कीमो रिसेप्टर। और ये कीमो रिसेप्टर भी मैसेज DRS को ही भेजते हैं, कीमो सेंसिटिव को नहीं, DRS, ताकि नेसेसरी एडजस्टमेंट किए जा सके। हमें तो लग रहा किसी को नहीं आया। आया? चलो आया तो एक बार फिर से बताओ। पहला DRS, दूसरा कौन फोर्सफुल, कौन नॉर्मल, कौन फास्ट, कौन डीप एंड स्ट्रॉन्ग, कीमो सेंसिटिव, और कौन हार्ट से मैसेज लेके जाएगा, कीमो रिसेप्टर। एक भी लाइन अगर आपको ना आए तो रोक देना मुझे। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन पढ़ो, पढ़ रहा हूं मैं। ह्यूमन बीइंग हैव अ सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड द मॉडरेट द रेस्पायरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल एस रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर। बच्चों हम लोगों ने इसके किस नाम से जाना? DRS। व्हाट इज DRS? डॉर्सल रेस्पायरेटरी, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। Another center present in the pons region of the brain called as pneumosacral center. And this center, ये क्या करेगा? This center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from this center, किस center से? Pneumothorax.
न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन देयर बाई अल्टर द रेस्पायरेटरी रेट. कैसा? स्लो की फास्ट? फास्ट. पहले नॉर्मल तो आए. नॉर्मल कितने सेकंड के लिए? दो. कितने देर रुक गया? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन. तभी कौन आया? न्यूमोटैक्स से. इसने सिग्नल को बढ़ा दिया कि छोटा? जो सिग्नल को कम किया तो रेट बढ़ गया. स्लो की फास्ट? फास्ट. आगे. अ कीमोसिस्ट एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर. इस वजह से मैंने लिखा कीमोसेंसिटिव कहां है? एडजेसेंट टू रिदम. तो रिदम कहां था? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. इसी वजह से मुझे कीमोसेंसिटिव कहां माना पड़ा? मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. अगर कोई बोले कि ये पॉन्स में होता तुम्हारे सर ने पढ़ाया तो बोलो ठीक है उनको नहीं आता. ठीक है, कहते उनको नहीं आता, यही बोलना. क्योंकि यस वो सर गलत नहीं है, पुरानी किताबों में लिखा हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखता है? एडजेसेंट टू रिदम. ओके, आगे चल रहे. एंड विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन. किसके लिए? CO2 एंड हाइड्रोजन. तीन बातें बताई मैंने. CO2 ज्यादा, H+ ज्यादा, pH कम. इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट. याद है नेसेसरी एडजस्टमेंट? कैसा? स्ट्रॉन्ग एंड डीप. जमाई आ रही है? yes, भूल गए बेटा. कीमोसेंसिटिव एरिया ने देखा कि CO2 बढ़ गई है, H+ ज्यादा, pH कम, तो उसने कहा क्या? सिग्नल बड़ा करो. बड़ा किया? इंस्पायरेशन थोड़ी देर के लिए कि ज्यादा? ज्यादा. इन द रेस्पायरेटरी प्रोसेस बाय विच दिस सब्सटेंस कैन एलिमिनेटेड रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर्क. याद है? एओर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड H+. तो कीमोसेंसिटिव और कीमो रिसेप्टर एक ही बात. कौन है ब्रेन में? कौन है पेरीफेरी में? कीमो रिसेप्टर. एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर. और आखिरी लाइन सबको अंडरलाइन करनी है, आखिरी. द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट. तो बताओ किसका रोल ज्यादा है? CO2 का, pH का, H+. और मैं क्वेश्चन बताऊं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलस विल कंट्रोल योर रेस्पायरेटरी सिग्नल्स. O2 का कम हो जाना, CO2 का ज्यादा हो जाना, बोथ नन. CO2 को ज्यादा. किसी ने भी बोथ कहा मार पड़ेगी. सर एक ही बात तो है, O2 का कम हो जाना, CO2 का बढ़ जाना. क्योंकि O2 को ये लोग देखते ही नहीं. किसको देखते हैं? CO2. मैंने कौन सा एक्स्ट्रा पढ़ाया? VRS. मेरे साथ बोलोगे? पहला DRS, VRS, कीमोसेंसिटिव. हाँ, कीमोसेंसिटिव हो गया, न्यूमोटैक्सिक हो गया, और अगर पहचान लिया तो तुमको आया. बताओ DRS? पक्का? पता नहीं चल रहा है. अच्छा हो गया. अच्छा बताओ न्यूमोटैक्सिक? पक्का? सर आप ऐसे सांस लेते कसम से कुत्ते लगते हो. लास्ट डिसऑर्डर्स. रेस्पायरेटरी सिस्टम यस, पहला डिसऑर्डर है अस्थमा. पहले से अस्थमा बोलते थे, आजकल अंग्रेज लोग इसे एस्मा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एस्मा. पर हम बदस्तूर इसे दमा बोलते आए हैं, दमा बोलते रहेंगे. सांस की बीमारी ये भी बोलते आए हैं. दमा, सांस की बीमारी, अस्थमा, यही सब हम बोलते आए. लेकिन आजकल इसका नाम हो चुका है अंग्रेजों को अगर स्टाइल मारने, इट्स एज्मा. एज्मा नहीं, अस्थमा. ये एक एलर्जिक डिसीज है.
जब आपको एलर्जी होगी तब ये डिसीज होगी। एलर्जी के दौरान मास्ट सेल बेटा एक्टिवेट हो जाते हैं, मास्ट सेल से हिस्टामिन निकलता है, क्या निकलता है हिस्टामिन, इसके अलावा सेरोटोनिन निकलता है, क्या निकलता है सेरोटोनिन। यही हिस्टामिन और सेरोटोनिन आपकी ट्रैकिया और ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। ये ब्लड वेसल है कि बेटा बेटा ये ब्लड वेसल नहीं है, क्या है ट्रैकिया और ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया और ब्रोंकाई का डायमीटर कम होने लगता है और डायमीटर कम होने लगता है तो बंदे को लगता है कि जैसे एयर पैसेज चोक हो रहा, चोक होने की वजह से उसे लगता है सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो सांस लेने का तरीका, प्लीज हंसिएगा मत, लाइक क्यों, क्योंकि तुम्हारा ट्रैकिया क्या कर रहा है चोक। जस्ट बिकॉज चोकिंग ऑफ ट्रैकिया इज नोन एज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकाई का कॉन्स्ट्रिक्शन। और जिनको भी अस्थमा के अटैक पड़ते हैं जानलेवा तक हो सकते हैं। और इस तरीके की सांस का आना, शान, इस तरीके की सांस का चलना एक स्पेशल आवाज पैदा करता है, इट इज नोन एज वीजिंग, वीजिंग। और तुमको हर एक चीज बतानी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि ट्रैकिया, ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या हो गए, कॉन्स्ट्रिक्ट। और जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो एयर आने और एयर जाने में अवरोध उत्पन्न हुआ। अवरोध का मतलब रेजिस्टेंस, बोलो क्या रेजिस्टेंस। तो सांस लेने में क्या बढ़ गया, रेजिस्ट, और रेजिस्टेंस बढ़ा तो एयर टकराने लगी और एयर टकराने की वजह से आवाज आई, नाम है वीजिंग। और इसीलिए इनहेलर लेना पड़ता है, और जैसे ही इनहेलर लिया वैसे ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ब्रोंको डायलेशन, आपकी जो ब्रोंकाई है वो डायलेट हो जाएगी और एयर आना जाना आराम से हो जाएगा। बीमारी का नाम किसी बैक्टीरिया से, वायरस से, किससे होती है एलर्जी। इसीलिए जिस भी चीज की एलर्जी है उससे बचना चाहिए। हो सकता है इस क्लास में बैठे हुए कुछ बच्चों को अस्थमिक अटैक कभी ना कभी पड़े हों, और हो सकता है ना भी पड़े हों, लेकिन याद रखना ज्यादातर शहरों में रहने वाले लोगों को अस्थमा अटैक के चांसेस ज्यादा, क्योंकि उनमें एलर्जिक रिएक्शन की चांसेस ज्यादा। और ये इतना पेनफुल होता है भाई साहब कि आप देख नहीं सकते। इसलिए जब भी कहीं भी कोई ऐसा मिले, एड्रेनालिन, क्या ब्रोंको डायलेशन के लिए याद रहे, या फिर रेस्पिरेटरी में अस्थालीन, नाम सुने हो, ऐसी गोलियां खिला देना या फिर उसको इनहेलर दे देना ताकि उसकी ब्रोंको डायलेशन होने लगे। अस्थालीन अस्थमा की बहुत प्रॉपर दवा है, अस्थालीन। ऐसा नहीं कि देख रहे ये कहा हो रहा, ये कहा हो रहा, लगता है मर जाएगा, अरे मर नहीं जाएगा, दौड़ के जाओ अस्थालीन गोली लाओ, अस्थमा के लिए खिला दो, डेरी फाइलिन की गोलियां हैं। ये अक्सर आपको ट्रेन में चलते हुए किसी को हो सकता है, बस में चलते हुए किसी को होता है, तो ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता करना क्या है, क्या करना है, तुरंत अस्थालीन या डेरी फाइलिन या फिर कोई भी स्टीरॉइड, कोई भी स्टीरॉइड दुनिया में बहुत है, बेटनिसॉल, डेकाड्रान, डेक्सोना, बेटनिनॉल, कोई भी स्टेरॉइड भैया उसे बोलो कोई भी स्टेरॉइड दो, स्टेरॉइड देते ही ब्रोंको डायलेशन। ओके, ये किसी भी देख सकते हो, हटा दे रहे, परमानेंट नहीं होता, जब एलर्जी होगी तब होगा। अगर तुम्हें पॉलन से एलर्जी है, पार्थीनियम, नाम सुने हो, कैरेट ग्रास, तो जब इसके पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन हमेशा बनेंगे, तो एक मौसम में पॉलन ग्रेन बनेंगे और इस पॉलन ग्रेन के मौसम में तुम बाहर निकले एलर्जी चालू। इसलिए कुछ लोग फूलों से के पास जा नहीं पाते, फूलों के पास गए पॉलन अंदर गए और उनको खांसी चालू, एंड दैट खांसी इज नथिंग, इट इज अस्थमा। हटा दें, चलो। और अगली बीमारी शाम तुम्हारे लिए एम्फाइसेमा, एम्फाइसेमा बोलते हैं लंग की अल्टीमेट यूनिट है एल्वुलाई,
और बोलते हैं एल्वुलाई बॉडी में लंग्स में जितनी ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ज्यादा। तो आपकी लंग का सरफेस एरिया जितना ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना अच्छा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जितना अच्छा आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा। तो हर बच्चे को भगवान ने खूब सारी एल्वुलाई दे करके भेजी है, लेकिन कुछ शान जैसे बच्चे हैं जो यहां पर आते ही ये करने लगते हैं, बोलो क्या, सिगरेट स्मोकिंग। और जैसे ही सिगरेट स्मोकिंग करते हैं एल्वुलाई की बीच वाली वॉल रप्चर होने लगती है। रप्चर होने की वजह से इनका सरफेस एरिया बढ़ता है कि घट जाता है? सरफेस एरिया घट जाने से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिगड़ जाते हैं, एंड दैट बीमारी इज नोन एज एम्फाइसेमा। याद रखना, एक एंजाइम की कमी की वजह से भी ये हो सकती है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, और ये भी एनसीईआरटी में है इन द बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम। एंटी ट्रिप्सिन वैसे ये बीमारी किसकी वजह से होती है? पर मान लो किसी दुधमुहे बच्चे को आई तो ये मत बोलना इसका एम्फाइसेमा हो गया, इसने सिगरेट स्मोकिंग चालू कर दी। नहीं, वो जेनेटिकली लेकर के भी पैदा हो सकता है ड्यू टू दिस एंजाइम। बोलो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा वन। अरे ये भी सब लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये भी कोई बाहर की चीज नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा, व्हाट इज बीटी, बायोटेक्नोलॉजी, क्या कह रहा है, क्या लिखा है, बोलो बोलो। अच्छा हाँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अरे प्रिंस 5 मिनट और रुक जाते, हो सकता है कि कुछ समझी में आ जाए। बस 2 मिनट ज्यादा नहीं लेंगे तुम्हारा। लास्ट टॉपिक, इट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। ये रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर तब होते हैं जब आपका जॉब खराब हो, ऑक्यूपेशन मतलब जॉब, नौकरी। तो जो बीमारी आपको नौकरी से मिले, आप करने गए नौकरी लेके आए बीमारी, इट इज नोन एज ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर। जैसे आप अगर किसी स्टोन इंडस्ट्री में हैं जहां स्टोन क्रशिंग चल रही है, या फिर आप सीमेंट इंडस्ट्री में हैं, या फिर आप रोड साइड में बेटा सड़कें बना रहे हैं, आपको याद रहेगा जितने लोग भी हैं बेटा, तो जाने दो स्टोन इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, या फिर अपने किसान पिताजी को देखो जो भूसे में है, हे भूसा सुना हो, ग्रेन्स। तो जिस समय ग्रेन की थ्रेसिंग हो रही है, थ्रेसर चलता है, तब छोटे छोटे पार्टिकल निकलते हैं 2.5 मिलीमीटर माइक्रोमीटर से कम के, दे आर नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकल। फिर से बोलो, और ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके लंग्स में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंग्स। और लंग्स में जा करके आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन। आपकी लंग्स में सूजन पैदा करते हैं, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको कांस्टेंट रूप से ब्रोंकाइटिस होती है। ब्रोंकाइटिस मतलब आपको खतरनाक खांसी आना चालू होती है, एंड दिस ब्रोंकाइटिस इज ड्यू टू बैक्टीरिया और ड्यू टू ऑक्यूपेशन। थ्रेसर करने वाले लोगों के पिताजी अक्सर दिन भर रात भर खांसते रहते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा पिताजी खांस क्यों रहे हो? बेटा कुछ नहीं, भूसे से एलर्जी हो गई। भूसे से एलर्जी नहीं है, भूसा कहां चला गया? लंग्स। याद रखना, डस्ट पार्टिकल से होने वाली ग्रुप ऑफ डिसीज को ये क्वेश्चन पूछा गया है। द ग्रुप ऑफ डिसीज इज नोन एज न्यूमोकोनियोसिस। एक डिसीज है कि ग्रुप ऑफ डिसीज? ग्रुप ऑफ। न्यूमोकोनियोसिस, इट इज अ डिसीज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल
और ये डस्ट मिनरल डस्ट हो सकती है, ये डस्ट स्टोन डस्ट हो सकती है, ये डस्ट हे डस्ट भूसे की डस्ट हो सकती है। तो मिनरल डस्ट से होने वाली इस बीमारी का नाम, रात खासकर मिनरल डस्ट से होने वाली बीमारी का नाम न्यूमोकोनियोसिस। और अगर ये बीमारी एस्बेस्टॉस से हो रही है, नाम सुना होगा, अगर ये एस्बेस्टॉस से हो रही है तो इसका नाम है एस्बेस्टोसिस। अगर ये बीमारी बेटा सिलिका से हो रही है तो इसका नाम है सिलिकोसिस। कभी कभी भूसे और गन्ने के छिलके, छिलके गन्ने के छिलके से होती है, इट इज नोन एज बैगोसिस। बैगस का मतलब ही होता है गन्ने का छिलका, और उसमें वो जो कोहलू में काम करने वाले लोग होते हैं वो लोग गन्ने के छिलके को इनहेल कर लेते हैं और इससे हो जाती है बैगोसिस। अगर तुम धूल ले गए तो सिलिकोसिस, क्योंकि धूल में क्या होता है सिलिका। एस्बेस्टॉस ले गए तो एस्बेस्टोसिस। यहाँ तक कि पीतल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, पीतल के कण, स्टील के कण भी आपकी बॉडी में जाते हैं। एंड दिस ग्रुप ऑफ डिसीज इज नोन एज न्यूमोकोनियोसिस। इति श्रुति इति श्री द्वितीयम अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।